चुके हैं। सो आईएनएस के चारों प्लेयर अभी भी बाकी, दो प्लेयर का डब्बा बना चुके हैं। चलते फिरते पी सेवन के दो प्लेयर इस मैच से हो चुके हैं बाहर। एंड बाकी अगर दो प्लेयर की बात की जाए, थोड़ा सा दूर है यहाँ पे, अगर शटल की बात करी जाए तो यहाँ पे एक रिज के ऊपर बैठे हुए हैं। एंड अगर देख लिया जाए यहाँ पे वैम्पी को, सो वैम्पी भी थोड़ा सा यहाँ पे दूरियां बनाते हैं और वैम्पी को मिल चुकी है अभी के लिए एसकेएस के साथ उजी। सो देखते हैं कि अपने टीममेट का मौत का बदला है लेने के लिए निकलेंगे या तो फिर बन जाएंगे ये भी शिकार। सो जानने के लिए देखते रहिए जंकी रोड गेमिंग चैनल, और साथ ही ये स्ट्रीम हो रही है हमारे वॉर जोन के ऑफिशियल चैनल पे। सो थोड़ी स्ट्रीम वहाँ पे देरी से हुई है बिकॉज आईडी पासवर्ड यार मुझे अभी जस्ट मिला, एंड जैसे ही मुझे आईडी पासवर्ड मिला मैंने वहाँ पे भी लाइव कर दिया। बट गाइज आपको एंटरटेनमेंट दोनों जगह बराबर मिलेगी। सो एक बार चलते हैं एनएस की टीम के पास, और बाकी टीम्स को भी गाइज मैं आपको सबके ड्रॉप पॉइंट दिखा देता हूँ। सो सोल की टीम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्प्रेडेड, एलएस का प्लेयर यहाँ पे शायद मोटल के साथ उनकी भिड़ंत हो सकती है, और मोटल के पास अभी के लिए यहाँ पे M16 का M416, सो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा, और एक गाड़ी भी है इनके पास, और अर्टिमिस यहाँ पे भागते हैं, और अर्टिमिस यहाँ पे काफ़ी डेडली साबित हो सकते हैं सोल मोटल के लिए। यहाँ पे सिनर्जी गेमिंग का ऑस्टिन एक्स सोल स्पाइक को नॉकआउट करता है। सो गाइज ये आई थिंक स्पाइक किसी और लाइनअप से खेल रहा है, सोल के मेन लाइनअप में स्पाइक नहीं है आज। सो कोई बात नहीं, मोटल अपनी टीम के साथ यहाँ पे रीग्रुप होने के लिए जाता हुआ सिनर्जी गेमिंग मिस्ट्री। यहाँ पे न्यू एसटी के रौनक को भी नॉकआउट किया गया गाइस। सो यहाँ पे गोट सक्षम, गाड़ी की आवाज सुनी, और आई थिंक यहाँ पे गोलियां जरूर बताई जाएगी। मोटल के ऊपर फायर जरूर किया बट कोई फायदा नहीं मिल पाया गाइस इस चीज का, क्योंकि मोटल की गाड़ी की रफ्तार बहुत ही तेज थी और उसको पकड़ पाना भाई साहब इतना आसान नहीं था यहाँ पे M416 के द्वारा भी। ओके सो लेट्स गो टू टीम आरआईपी, बिकॉज आरआईपी के टीम का एक प्लेयर नॉकआउट हुआ है। यहाँ पे स्पाइक भी नॉकआउट पड़ा है, एंड ओके गाइज यहाँ पे करण भी नॉकआउट, बैक टू बैक तीन झटके लगते हुए यहाँ पे टीम आ रहा है कि स्क्वाड को। एसएलआर के साथ बादशाह अकेला प्लेयर बचा है, सामने से टेड आते हुए, टेड के पास है M416 और उजीआई अपनी रिलोड कर लिया है। सो शायद यहाँ पे टिकटें बढ़ सकती हैं, बट दोनों टीम इस टाइम मुसीबत में, उजी वर्सेज उजी, नेड आया, डैमेज यहाँ पे लेना पड़ा थोड़ा सा बादशाह को। ओके सो यहाँ पे गेट तोड़ दिया गया, और बादशाह के लिए सबसे अच्छी चीज ये है गाइस कि इनको सबसे पहले हील करना चाहिए अपने प्लेयर्स को, क्योंकि सिनर्जी गेम का सिर्वी भी यहाँ पे क्लोज इन करता हुआ, और सिनर्जी गेमिंग के पास मैन पावर अभी के लिए ज्यादा होगी। तो इनके एंगल से हम देख लेते हैं यहाँ पे चारों प्लेयर शायद रिवाइव हो जाएंगे, तब तक शायद एक ही प्लेयर वहां से उठ पाए, क्योंकि सोल स्पाइक काफी ज्यादा ही लो हो चुके थे यहाँ पे। और बादशाह अभी यहाँ पे रिवाइव देते हुए, 5 सेकंड का समय और उसके बाद यहाँ पे शायद रिवाइव मिल जाएगा, बट इतना ईजी नहीं है गाइस। यहाँ पे किल कंफर्म करते हुए अपना आरआईपी की टीम यहाँ पे दो प्लेयर खो चुकी है, सिनर्जी गेमिंग डोमिनेट करते हुए खात्मा कर दिया गया है टीम आरआईपी का, और आरआईपी की टीम को होना पड़ेगा इस मैच से बाहर। सो गाइज यहाँ पे बैक टू बैक हमने दो टीमों का सुपड़ा साफ होते हुए देखा यहाँ पे। और अगर बात की जाए यहाँ पे एलएस की टीम की, सो टीम एलएस के पास टीम नंबर 9 है यहाँ पे, टीम नंबर 9 जो हमारी वो है गोड्स की टीम। सो इन दोनों की फाइट देखने को मिल सकती है, 3-man स्क्वाड हो चुके टीम एलएस, बिकॉज इनका एक प्लेयर खत्म हो चुका है। ओके सो एकेएम का फायर जरूर आया यहाँ पे, और ओमेगा एक अच्छे एंगल की तलाश करते हुए शायद हाइट पे भी जा सकते हैं। गाइस सबका स्वागत जंकी रोड गेमिंग के चैनल पे भी और वॉर जोन के चैनल पे भी, सब लोग लाइक कर दो, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो घंटी वाला बटन जरूर दिखाना। ओके सो गोड्स की टीम यहाँ पे रश करने की तैयारी करते हुए चारों तरफ से घेर लिया गया, यहाँ पे ओमेगा बिल्डिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं, और ये 5-story बिल्डिंग पिकाडो के अंदर ये फाइट होने वाली है गाइस। गोड्स की टीम घेराबंदी करते हुए यहाँ पे एलएस के प्लेयर की, यहाँ पे बोप डोप है और साथ ही साथ ओमेगा, और चारों प्लेयर यहाँ पे टीम गोड की तरफ से बिल्कुल रीग्रुप होकर चलते हुए यहाँ पे अल्फा राइट, मेजर अल्फा राइट साइड में आ चुके हैं, कोई एंगल नहीं देना चाहते, इनके पास बैरल और साथ ही साथ आई थिंक शॉटगन है इनके पास। तो अगर अर्टिमिस को देखा जाए, अर्टिमिस यहाँ पे एक अलग ही एंगल बना के बैठे हुए, और अर्टिमिस के पास यहाँ पे एक एसएमजी और एक एआर, अगर मेजर अल्फा यहाँ पे स्पोर्ट हो जाते तो डायरेक्टली नॉकआउट मिल सकता उनको, और M4 के साथ साथ इनके पास एक 4x भी है, सो काफ़ी दूर तक घाव दे सकते हैं टीम गोड्स के प्लेयर्स को। सो मेजर अल्फा अभी भी गाइज इसी जगह पे लेटे हुए हैं, एंड बाकी 5-story बिल्डिंग में रश करना इतना इजी नहीं रहता है, बट फिर भी यहाँ पे मुझे लगता है टीम गोड्स पीछे हटने वालों में से नहीं है, बिकॉज ये पोजीशन उनके लिए फॉल बैक करना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि एंगल बन सकते हैं यहाँ पे टीम बोपडोप और ओमेगा के लिए। एंड अर्टिमिस भी यहाँ पे नॉकआउट करता हूँ मेजर अल्फा को, मेजर अल्फा ओपन से गए और डायरेक्टली उनको होना पड़ा शिकार। ओके सो सोल मोटल गाइस यहाँ पे नॉकआउट होता है, बट वाइपर का यहाँ पे एसकेएस से क्या बैकअप गया है। ओके
एलएस ओमेगा नॉकआउट टीम। एलएस यहाँ पे थोड़ी सी हल्की दिखती है बिकॉज दो दो फाइटें चल रही है गाइस यहाँ पे पूरे मैप में। ओके सो गोट्स विशेष यहाँ पे आर्टिमिस को नॉकआउट किया जो कि काफी गहरा गाप देखेंगे क्योंकि उन्होंने मेजर अल्फा को फिनिश ऑफ ही कर दिया डायरेक्ट। बट अभी भी टीम गोट्स इस फाइट में ज्यादा हावी लग रही है क्योंकि बोप डोप अकेला रह गया है और उसको अपने टीममेट को बचाना जो कि ओमेगा नीचे की तरफ बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे टीपीपी का गेम खेलते हुए। ओके सो शाइल्स रेड भाई साहब हमारे नॉकआउट किया, तीन बंदों ने यहाँ पे घुस के बूम बाम किया, गैंग बैंग, गैंग बैंग हुआ है गाइस, डोंट टेक इट रॉन्ग बट यहाँ पे गैंग बैंग हुआ है और गोड्स की टीम ने पूरे के पूरे तीन प्लेयर को खत्म कर दिया है। सो गाइस एक बार हम चलते हैं टीम सोल के पास बिकॉज मोर्टल अभी नॉकआउट हुए थे बट वाइपर चच्चा पीछे से आया और मोर्टल को ऐसे कैसे मरने देंगे वाइपर भाई। सो शैल स्ट्रोक भी यहाँ पे किल कन्फर्म करते हुए। ओके सो मोर्टल अपने आप को हील जरूर कर चुके हैं बट इनको किल नहीं आया गाइस। सो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा दूर से फाइट चल रही थी, टीम सोल के पास अभी तक कोई भी किल नहीं है। सो एक बार शैल्स की टीम के पास हम जाके देखते हैं। सो हेरिस टीम शैल्स और एक किल हो चुका है इनका और वो एक किल लिया हमारे रेड भाई ने। 200 लोग देख रहे हो गाइस, सबके सब करो यार लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके सो रेड भाई यहाँ से झांकने की कोशिश करते हैं बट MYM के प्लेयर के पास काफी अच्छी पोजीशन। यहाँ पे इमोर्टल अपनी गाड़ी उठा के थोड़ा सा फॉल बैक करते हुए शैडो भाई यहाँ पे सांबा बन के आई थिंक कोशिश जरूर करेंगे। 3X और स्कार एल पूरा यहाँ पे भाई साहब देख सकते हो आप, जैसे कि शोले में सांबा पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठा रहता था वैसे ही हमारे शैडो भाई बैठे हुए। यहाँ पे IE कह देते हैं INS रेड को नॉकआउट किया गाइस। एक बार चलते हैं यहाँ पे IE की टीम के पास। सो किल कंफर्म कर चुके हैं, IE की टीम इस मैच में अपना पहला किल ले चुकी है तो शुरुआत हो चुकी है टीम IE की। So, देखते हैं यहाँ पे सांबा का किस तरह से अवतार रहेगा। आई लाइक योर कमेंट एंड सिंपल विद फन, थैंक यू सो मच शिवम सोनी भाई। ओके सो कार 98 का शॉट यहाँ पे लेने की कोशिश करते हुए एक बार हम चलते हैं एलक्राफ्ट की टीम के पास जो कि यहाँ पे गाड़ी में ट्रेवल कर रही है इस टाइम पे। टीजी के क्रिटिक यहाँ पे सामने की तरफ, शायद अगर ये गाड़ी को देख लिया गया तो गाइस दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। डीडी के पास भी मौका बन सकता है। UMB पैसिव IGL यहाँ पे एंटिटी नियो को कर दिया गया नॉकआउट हेडशॉट विद AKM। सो हम चलते हैं टीम एंटिटी के पास। तो जोनी बॉय अपनी बग्गी में चलता हुआ और यहाँ पे ओके सो एक फ्लैंक देखने को मिला है और पैसिव IGL यहाँ पे शायद शिकार बन सकता है AKM या फिर M4 का भी। तो जोनी बॉय ने नेट निकाला, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए नेट निकाला था, पीछे से अगर यहाँ पे कवर आ जाता है पैसिव IGL के लिए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जोनी को भी दिक्कतें हो सकती हैं। सो गाइस जेड गोड क्लच गोड नियो एंड जोनी। सो नियो फिनिश ऑफ हो चुका है, नियो का किल कंफर्म हो चुका है। तो फिर नेट निकाला गया है जोनी की तरफ से। ओके मुझे लगता है गाइस ये नॉकआउट देखने को मिल सकता है, नेट से यहाँ पे थोड़ा डैमेज पड़ा और क्लच गोड ने अपनी M16 के साथ नॉकआउट कर दिया है। सो पहला नॉकआउट आ चुका है यहाँ पे टीम एंटिटी की तरफ से और अभी यहाँ पे शायद जोनी रश करने की पूरी तैयारी कर सकता है। UMI के डेस्ट्रो यहाँ पे प्लेयर को बचाने के लिए जाता हुआ बट जोनी की एक कैंप से बचना मुश्किल ही नहीं ना नामुमकिन हो जाता है जब भाई उनके फेवर में होती है, जब सिचुएशन उनके फेवर में होती है गाइस इस बात पे जरूर ध्यान देना है ना, नहीं तो तुम मुझे डायनामो मत समझना। ओके गाइस सो यहाँ पे 420 OP ने जरूर थोड़ा सा अपनी टीम को संभालने की कोशिश की है बट जब तक ये टीम को संभालते तब तक दो प्लेयर इनके खत्म हो चुके थे। यहाँ पे थोड़ी दुनिया ज्यादा बनी, जोनी नेड बैक हुए और जोनी कन्फर्म हो जाते अगर ये नेड ना था। जैसे ही नेड फटा तो थोड़ा सा यहाँ पे जो स्कोप का पोजिशन था वो हिल गया जिसके कारण यहाँ पे भाई किस्मत अच्छी थी यहाँ पे जोनाथन की। तो फिर ऊपर वाले एंगल से देखते हैं यहाँ पे साथ ही साथ IM की टीम थोड़ा सा बाईपास से निकलते हैं और IM की टीम को अगर यहाँ पता लगा कि दो टीम फाइट ले रहे तो थर्ड पार्टी भी देखने को मिल सकता है। ओके सो तीनों प्लेयर यहाँ पे उठ चुके हैं, जोनी क्लच गोड एंड एंटिटी जेड गोड। जेड गोड के ऊपर नेड आया और लगातार यहाँ पे 420 मुसीबतें बढ़ाता हुआ टीम एंटिटी की। एक नेड यहाँ पे क्लच गोड की तरफ से भी गया। सो यहाँ पे नेडिंग चलती हुई लगातार और वो भी बार बार। सो 420 OP रश करने की पूरी तैयारी करता हुआ, हालांकि यहाँ पे 420 को पता है कि टीम एंटिटी है उसके सामने बट उसके बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं यहाँ पे।
ओके सो क्लच गोड के लिए काफी इजी किल, बिकॉज जब तक यहाँ पे जोनी से निपट पाते हैं हमारे 420 भैया तब तक उनकी मौत क्लच गोड के द्वारा हो चुकी थी। अभी मुझे लगता है शेल्स की टीम की फाइट हो सकती है गाइज यहाँ पे, तो शेल्स यहाँ पे आतंकी अपनी गाड़ी से उतरते हुए एलिमेंट्रिक्स की टीम सामने की तरफ, रॉक्स को यहाँ पे झटका लगता हुआ चलते हैं शेल्स लाल की तरफ। सो लाल यहाँ पे अपनी M6 में स्पोर्ट जरूर किया था फ्रोस्ट को, आई थिंक एक पत्थर का कवर है सो थोड़ा से रेंडर होने में देरी लग रही है इस कारण। टपाटप चलते हुए एलिमेंट्रिक्स की टीम की तरफ, अल्ट्रॉन की तरफ से लगातार शॉट्स आ रहे हैं और यहाँ पे आतंकी थोड़ा राइट साइड से पोजीशन बनाने की कोशिश करते हुए, रिजिज काफी अच्छे हैं यहाँ पे तो कवर काफी अच्छा मिल पा रहा है इसके कारण, बट रोक सभी भी काफी ज्यादा लो। और एश गेमर भाई लोग आप देख सकते हो एश गेमर की हालत, 1 HP भी नहीं बचे, आतंकी ने नॉकआउट कर दिया गाइस यहाँ पे एक प्लेयर को। ओके जेसन नॉकआउट पड़े हैं यहाँ पे एंड एश गेमर यहाँ पे क्लोज इन कर चुके हैं एश गेमर और रोक्स यहाँ पे फ्रोस्ट के एकेम से दोनों को हेडशॉट पड़े और क्या ही गेम प्ले दिखाया गाइस फ्रोस्ट ने, एक स्प्रे में 2 बंदे डाउन किए, आई थिंक जैसन भी यहाँ पे बच सकते हैं। सो शेल्स की टीम अपने 2 प्लेयर खोते हुए रेड यहाँ पे चढ़ाई कर चुके फ्रोस्ट के ऊपर, जब तक फ्रोस्ट हील करेंगे तो शायद यहाँ पे लाल का शिकार बन जाएंगे। हमारे लाल गोपाल भादम बात करते हैं बट यहाँ पे नॉकआउट करने में सक्सेसफुल, ओके सो एक प्लेयर को नॉकआउट किया बट फ्रोस्ट यहाँ पे काल बन के मंडराते हुए टीम शेल्स के ऊपर 1 vs 3 कर चुके हैं, बट मुझे लगता है टीम गोड्स यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की है गोड्स की टीम यहाँ पे शायद किल चुरा सकती है गाइस, क्योंकि रेड अभी नॉकआउट हुए थे एंड ओके गोड सेक्शन में यहाँ पे एलिमेंट जेसन को नॉकआउट किया, फ्रोस्ट को नॉकआउट किया, जेसन का किल कन्फर्म हो चुका है यहाँ पे। सो दोनों टीमों के लिए दिक्कतें बनती हुई यहाँ पे थर्ड पार्टी ने बहुत ही दिक्कतें बढ़ाई, टीम शेल्स का एक प्लेयर रह चुका है, अल्ट्रॉन के बचने के चांस बहुत ज्यादा कम क्योंकि यहाँ पे मनु को आप देख सकते हो, मनु राइट साइड से प्लैंक किया, आईटी प्रिंस यहाँ पे टपा टप देता हुआ आतंकी को और ये गाड़ी भी फूटने के गार पे, आई थिंक यहाँ पे अगर मनु थोड़ा सा क्लोज इन कर देता है इस रिज पे तो एक और इजी किल मिल सकता है, 1 या 2 किल भी मिल सकते हैं। सो अल्ट्रॉन यहाँ पे काफी ज्यादा लो और लगातार ब्लीड आउट होते हुए और मनु गाइस क्या ही पोजीशन पकड़ी है, सो मनु के एंगल से ही चलते हैं क्योंकि आतंकी का किल उनको मुझे लगता है मिल सकता है इजीली। ओके सो नेड फेंक के पीछे की तरफ भागते हुए सो आतंकी का किल मिला है यहाँ पे मनु को। सो टीम गोड्स का अभी भाई साहब मतलब गोल्डन पीरियड चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी 7 किल हो चुके हैं और जहां पे भी जा रहे हैं भाई साहब किल लेके आ रहे हैं, अल्ट्रॉन यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं सो ब्लीड आउट होके टीम एलिमेंट्रिक्स आ चुकी है सिर्फ 1v4 की पोजीशन में, बिकॉज यहाँ पे आईटी प्रिंस अकेला बच चुका है और मुझे लगता है यहाँ पे फॉल बैक कर लेना चाहिए, वीसीएस को सपोर्ट किया, शॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाए 3x और साथ ही साथ इनके पास है उजियाई और मिनी, मुझे लगता है गाइस टीम गोड्स को भी रश कर देना चाहिए बट उनको भी अभी आइडिया नहीं होगा कितने प्लेयर बाकी है टीम एलिमेंट्रिक्स के यहाँ पे, सॉरी एलिमेंट के गाइस, सो एलिमेंट्रिक्स नहीं है। सो एस्टेक को देख लेते हैं, एस्टेक की टीम अभी यहाँ पे किलसम कोशिश कर रहा है टीम आईएनडी के ऊपर शॉट लेने के लिए, अगर स्लेयर के पास यहाँ पे कार नहीं हिट होती तो भाई मजा आ जाएगा यहाँ पे स्नाइपिंग देखने के लिए, गाइस एक बार स्लेयर के पास चलते हैं, सो इट इज ओवर स्लेयर एंड अगर इनके पास कोई भी ओके MK14 तो देखते हैं यहाँ पे बोल्ट एक्शन वर्सेस DMR में कौन जीतने वाला है, क्योंकि भाई लोग मुझे स्लेयर वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर लगता है, हालांकि दलजीत भाई और भी बहुत सारे स्नाइपर हैं यार अगर नाम गिनने को आए तो, हम बहुत ही सारे स्नाइपर हैं हमारे इंडिया में अभी के टाइम पे, बट मुझे माय पर्सनल फेवरेट इज स्लेयर। सो पे थोड़ा डैमेज जरूर सर किसम को जो कि कार्नेटेड से शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे थे, सो वोज वंस के पास यहाँ पे मिनी और मिनी के साथ उन्होंने लगाया हुआ है 3x। ओके सो स्लेयर के यहाँ पे घुसती हुई उनके पास कोई, ओके सो आई एम माइटी ने यहाँ पे वोज वंस को नॉकआउट कर दिया, सो थर्ड पार्टी हुआ है गाइज यहाँ पे और आई डोंट थिंक यहाँ पे टीम INDी को आइडिया होगा कि एक और टीम इस फाइट में आ चुकी है, सो बीच में शायद सैंडविच भी बन सकता है इस फाइट में अगर एस्टेक की टीम की बात की जाए तो। मेला अर्पित, अर्पित भाई वेलकम, ओके सिनर्जी गेमिंग की गाइस फाइट चलते हैं यहाँ पे, सिनर्जी गेमिंग के प्लेयर ने भी नॉकआउट किया, सो ओके सो सिनर्जी गेमिंग के भी गाइस 6 किल हो चुके हैं और यहाँ पे मुझे डब्बे डब्बे दिख रहे हैं, रेड जोन भी थोड़ा इनके पास बना और उनको जल्दी से जल्दी जोन के अंदर निकलना पड़ेगा, वैसे 2 मिनट का टाइम जरूर है बट जोन काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका है। अगर लाइव क्राफ्ट की बात की जाए तो ये भी लोग लॉस लियोनिस के पास और गाड़ियों की तलाश करते हैं यहाँ पे, इट्स स्पायर भाई और गाड़ी मिल चुकी है, टीम 7 सीज वर्सेस टीम एंटिटी गाइस यहाँ पे चल रहा है अभी के लिए,
एक बार टीम एंटिटी के पास दोबारा चलते हैं। यहाँ पे आई थिंक क्लच गोड ने एक और नॉकआउट लिया अपनी टीम के लिए। सोल को भी दिखाएंगे गाइस, जिसकी फाइट होगी उसी को दिखाएंगे, डोंट वरी। 300 लोग देख रहे हो एक बार। सो क्लच गोड यहाँ पे काफी ज्यादा लो, बट आई आदित्य को नॉकआउट करने में सक्सेसफुल रहे। यहाँ पे हेलमेट जरूर यहाँ पे फ्रेश है क्लच गोड के पास, बस वेस्ट इनकी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। तो जोनी यहाँ पे रिवेंज परफेक्ट को नॉकआउट करने में सक्सेसफुल, आदित्य भी नॉकआउट यहाँ पे, एंड आई थिंक लास्ट प्लेयर बाकी होगा टीम रिवेंज का यहाँ पे, जिसने फॉल बैक किया। सो फॉल बैक का डिसीजन काफी अच्छा है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे तीनों प्लेयर एक साथ रश करें सो ये वाली टीम का भी सुपड़ा साफ करने में सक्सेसफुल रह सकती है टीम एंटिटी। नेड फेंका गया और क्या ही नेड फेंका यहाँ पे, रेत 1 HP बचे, आदित्य का यहाँ पे खात्मा किया। सो क्लच गेट का गाइज ये नेड जानबूझ के हवा में फोड़ा गया ताकि यहाँ पे डैमेज मिल सके। सो रेत मुझे लगता है खात्मा हो सकता है। सो जंप एंड शूट गोलियां कनेक्ट नहीं हो पाई यहाँ पे, क्लच गेट काफी ज्यादा डैमेज खा गया। अगर यहाँ पे नॉकआउट हो जाते हैं क्लच गेट तो ओके, सो यहाँ पे किल कन्फर्म हो जाएगा। इसी चीज का डर था गाइज यहाँ पे, अगर क्लच गेट नॉकआउट होते तो खत्म होना उनका निश्चित था, जो कि हुआ। सो जेड गोड यहाँ पे क्लोज इन करते हुए पीछे पीछे जोनी भाई आते हुए नेड निकाला यहाँ पे। सो डराने की कोशिश, रेत तब तक भाग चुका था यहाँ से। सो नेड फेंका जिसका कोई फायदा नहीं। सो MIM इमोर्टल यहाँ पे इसी बीच IM माइटी को नॉकआउट कर चुका है। रेत यहाँ पे TPP लेते हुए, जेड गोड भी यहाँ पे अकेले जाते हुए, और जोनी यहाँ पे काफी ओके, अभी दोनों साथ आ चुके तो दिक्कत नहीं होने वाली, एक साथ जाएंगे नहीं रहने वाला। जोनी नॉकआउट यहाँ पे, बट कवर फॉर आया जेड गोड की तरफ से। जोनी यहाँ पे घुसे भाई साहब, वेट कर रहे थे जेड गोड। सो हमारी एंटिटी की टीम अभी भी इस मैच में बरकरार, एंड सिनर्जी गेमिंग की अगर बात कर ली जाए सो 6 किल के साथ चारों प्लेयर अभी भी जिंदा। साथ ही साथ इनके पैरेलल चलते हुए टीम INS के प्लेयर सिनर्जी गेमिंग टैड को देख लिया गया, बट मुझे नहीं लगता गाइस यहाँ पे फायर करना चाहिए। ओके गाइस, सो एक तरह से ये आई थिंक हो सकता है, अगर सिनर्जी गेमिंग यहाँ पे जोन कट करता है टीम INS का तो उनको किल्स मिल सकते हैं, बिकॉज अभी भी काफी दूर पैदल इनको भागना है, और इन्होंने एक तरह से आमंत्रित कर दिया कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि जोन के अंदर भागना है, गाड़ियां नहीं है टीम INS के पास और बाहर से जोन के गोलियां चला रहे हैं। तो भाई लोग देखना पड़ेगा टीम सिनर्जी गेमिंग क्या यहाँ पे रुकने वाली है, आई डोंट थिंक, बिकॉज यहाँ पे रेड जोन हो रखा है, रेड जोन के बाहर रुकना कोई समझदारी वाला डिसीजन है। MIT ने यहाँ पे MIM Immortal को नॉकआउट, तो यहाँ पे Car98 के फटके IM और MIM की तरफ से गाइस लगातार चलते हुए। सो आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे टपाटप, Car98 दी जा रही है, बिकॉज मैंने देखा दोनों प्लेयर एक एक बार दोनों को Car98 से नॉकआउट कर चुके हैं। ओके एलिमेंट प्रिंस यहाँ पे PH आइकोनिक को नॉकआउट करते हुए, बट IT प्रिंस किसी बीच डाक के द्वारा मौत हो चुकी है। सो PH की टीम यहाँ पे एक किल ले चुकी है, उनका एक प्लेयर जरूर नॉकआउट हुआ। IT प्रिंस ने दूसरे प्लेयर को भी काफी ज्यादा लुक किया, तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे टीम PH के पास। सो आप लोग देख सकते हो आइकोनिक नॉकआउट है, डाक यहाँ पे काफी ज्यादा लो। सो गाइज ये PH की टीम आप लोगों को पता होगा हमारी ब्रोलर्स की टीम है। सो गोड्स की टीम यहाँ पे पहाड़ के ऊपर चढ़ी हुई है, और लाइफ क्राफ्ट की टीम भी इसी बीच दोनों टीमों के बीचों बीच आ चुकी है। सो ओपन इलाके में लाइफ क्राफ्ट और पीछे से यहाँ पे गोड्स की टीम आते हुए, और सामने यहाँ पे बरकरार है हमारे PH जो कि ब्रोलर्स की टीम के लौंडे एंटिटी। जेड गोड यहाँ पे INS पाब्लो को नॉकआउट किया गया, मैं इमोर्टल भी यहाँ पे गाड़ी फूटने के कारण उनकी हो चुकी है मौत। ओके सो यहाँ पे क्लोक की जिंदगी हराम करते हुए INS स्नैक्स, क्योंकि M249 और साथ में 4x लगा के गाइस लगातार गोलियां बरसाई जा रही है। क्लोक एक बार दोबारा से लो तो लगातार उनको हील करते रहना पड़ेगा। गोड्स विशेष यहाँ पे एलक्राफ्ट जूम बूम को नॉकआउट किया, सो ये स्मोक काफी है। सो क्लोक किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल, इसी बीच यहाँ पे स्लेयर कर चुके हैं क्लोज इन, और स्लेयर ने यहाँ पे निकाला नेट, तो देखते हैं गाइस ये नेट सक्सेसफुल होने वाला है नहीं। यहाँ पे चारों तरफ स्मोक कर दिया गया है, क्योंकि एक साइड से ब्रोलर्स दूसरी साइड से यहाँ पे टीम गोड्स, और गाइस ये मनु की तरफ से या फिर देखा जा सके गोड्स की टीम की तरफ से काफी ज्यादा स्लो मूवमेंट, बिकॉज अगर वो गाड़ी फोड़ दी जाती तो वहाँ पे 2 easy kill मिल सकते थे, क्योंकि एलक्राफ्ट की टीम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कवर था जो कि थी वो गाड़ी, और वो गाड़ी में से धुआं निकल रहा, आई डोंट थिंक कि वो गाड़ी अभी तक फूटी है गाइस। ओके सो INS स्लेयर MIM के प्लेयर को डाउन करता हुआ, स्लेयर यहाँ पे अकेले घुसे थे और गाइस 2 प्लेयर को नॉकआउट किया। यहाँ पे दूर दराज की फाइट देखने से चांस चलते टीम INS के पास। ओके सो INS की टीम यहाँ पे 2 kill कन्फर्म करते हो अपने,
बट क्लोक अभी भी इसी पोजीशन में बने हुए हैं गाइस, और यहाँ पे प्रोन होके लेटे हुए हैं। तो स्लेयर के पास एक एंगल जरूर था, और ये बग्गी उठाई, बग्गी गाइस, बग्गी के टायर ऑलरेडी फूटे हुए थे। सो गाइस इसे बोलते हैं कि भाई आगे कुआ पीछे खाई, भागने की कोशिश की बट क्लोक सक्सेसफुल, मुझे नहीं लगता इस चीज में हो पाएंगे। क्लोक का किल यहाँ पे क्रेटोस को मिला। सो टीम आईएनडी एक पूरी की पूरी टीम को खत्म कर चुके हैं। टीम ब्रोलर्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, जेड गोड यहाँ पे अपनी गाड़ी से आ चुके हैं जोन के अंदर, बट यहाँ पे शॉर्ट्स लेते हुए जोनी भी अभी तक जिंदा, 8 किल हो चुके हैं टीम एंटिटी के, 3 किल अभी तक जोनी भैया ले चुके हैं, और अगर जेड गोड की बात की जाए तो जेड गोड के पास भी अभी एक किल है। सो किल्स के मामले में काफी अच्छा, बट अभी भी 11 टीम बाकी, और इस मैच में काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा। जोन छोटा बट सफर काफी लंबा, यहाँ पे इट्स हाइपर कौन फायर कौन होता है। सो जेड गोड यहाँ पे जैसे ही स्प्रे दे रहे थे उसी बीच मिनी के शॉर्ट्स लगे और जेड गोड यहाँ पे नॉकआउट, हेलमेट पूरा डैमेज्ड, वेस्ट पूरी डैमेज्ड, और जोनी भी यहाँ पे आई थिंक 2 बार नॉकआउट हुए हैं। सो एंटिटी की टीम का शायद ये सफर इतना आसान नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे ब्रोलर्स ने रच कर दिया यार, 2 ही प्लेयर्स, तो 2 वर्सेस 4 की फाइट देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक जोन काटने का पूरा पूरा यहाँ पे षड्यंत्र रच चुके हैं हमारे टीम ब्रोलर्स के प्लेयर। बॉम्बर यहाँ पे क्लोज इन करते हुए, ओके स्टार्ट यहाँ पे क्लोज इन कर चुके हैं, ओके तो जोनी को डार्क ने नॉकआउट किया। जेड को राइट साइड से आते हुए डार्क की गन यहाँ पे, डार्क की गन यहाँ पे रिलोड में फंसी, एंड जेड गोड अभी भी जिंदा, जेड गोड अपने आप को हील कर चुके हैं। आई थिंक ये डार्क को कंफर्म करने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज ये फाइट इतनी आसान नहीं है इनके लिए। ओके सो यहाँ पे मोली का डैमेज पड़ा और आइकोनिक ने यहाँ पे लास्ट किल लिया। सो आइकोनिक तो लीजेंड है गाइज, और उन्होंने करके दिखाया सामने सिनर्जी गेमिंग टेड खड़ा हुआ, टेड के ऊपर यहाँ पे टपा टप देते हुए, बट इस टपा टप का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि 1 मिनट और जोन के अंदर जाना है 73 मीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड से यहाँ पे शॉट्स आ सकते हैं सिनर्जी गेमिंग की तरफ से। सो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा अभी टीम ब्रोलर्स को। 3 किल इनकी टीम के हो चुके हैं, बट अभी एक प्लेयर को खोया इन्होंने। सो ये चीज़ थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। क्रेटोस अभी नॉकआउट, आईएनडी ट्रांस फिनिश हो चुका है। स्लेयर और स्नैक्स को यहाँ पे बचाना पड़ेगा अपने प्लेयर को, क्योंकि अभी अभी 6 टीम और 21 बंदे गाइस। अभी देखते हैं टीम सोल को, क्योंकि सोल की टीम काफी देर से यार इनका नाम देखने को मिल रहा है, अभी तक कोई किल नहीं हुआ इस टीम सोल का, बट जोन के अंदर सक्सेसफुली आई थिंक ये जा पाएंगे, क्योंकि मोटल सबसे पहले रोटेशन दे चुके हैं और अमन भी यहाँ पे मोटल के पास जाते हुए, बट वाइपर को यहाँ पे रोटेशन के दौरान पकड़ा गया। शायद यहाँ पे अमन अपनी गाड़ी का कवर बना के बचा सकते हैं वाइपर को, यहाँ पे दोनों साइड से शॉट्स पड़ते हुए। यहाँ पे मोटल का रोल भी काफी अहम रहेगा, क्योंकि मोटल को यहाँ पे सबसे पहले स्मोक करना है। सो कोई ज्यादा खास पोजीशन यहाँ पे स्पाइडी को देखा मोटल ने, M416 विद रेड डॉट के साथ यहाँ पे शॉट दिया। टीम एचडेक यहाँ पे मुसीबतें बढ़ाते हुए टीम सोल के लिए, वाइपर यहाँ पे 1 HP जिसको कि हाथ लगा चुके हैं अमन। ओके वाइपर अभी रिवाइव हो चुके हैं, तो टीम सोल दोबारा से यहाँ पे 4 मैन हो चुकी है, एंड सिनर्जी गेमिंग की टीम यहाँ पे एक साइड से शॉट दे रही है। यहाँ पे 4-4 गाड़ियां जिनमें से 3 गाड़ियां फूट चुकी है टीम सोल की, बट जोन के अंदर अभी जरूर है। बट यहाँ पे अगर बात की जाए टीम एजटेक की, उनके पास पोजीशन काफी ज्यादा जबरदस्त इस टाइम पे। आई एम जैरफ यहाँ पे जोन के बाद डैमेज खत्म, आई थिंक ये हील बैटल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा कोई खास मौका नहीं है। टीम आईएनडी स्लेयर और स्नैक्स दोनों कंपाउंड्स में अभी, सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 टीम 18 बंदे, बड़ी नाइंसाफी है, बट गाइस जो भी इसे डील करना पड़ेगा। बोझ वंश ने यहाँ पे अमन को नॉकआउट किया, वाइपर भी नॉकआउट हो चुके हैं यहाँ पे, वाइपर को सैटन ने नॉकआउट किया, और सैटन का पे मोटल की कार 98 का फटका पड़ा, और भाई साहब उनका अंग अंग फटका। ओके सो ऐसे किल से यहाँ पे आई एम जैरफ को फिनिश ऑफ करते हुए, एंड बोझ वंश का भी यहाँ पे किल कंफर्म हो चुका है, और स्पाइडी भी मुझे लगता है मौत को प्यारे हो जाएंगे बिल्कुल 1 HP, एंड अपने आप को किसी ना किसी तरीके से बचाए हुए इस मैच में। ओके हील कर चुके हैं वो। सो किल्सम और स्पाइडी यहाँ पे 2 बंदे बचे हैं, और 3 बंदे बचे हैं यहाँ पे टीम सोल के, सांगवान वाइपर और मोटल। अमन को यहाँ पे शिकार बनना पड़ा टीम एजटेक का। टीम आईएनडी अभी भी काफ़ी ज़्यादा सेफ, 5 टीमें बची हैं अभी। सो स्पाइडी के पास गाइस एक बार जाके देखते हैं, क्योंकि स्पाइडी के पास मौका बन सकता है यहाँ पे, बट सिर्फ और सिर्फ 55 सेकंड का टाइम, और भाई साहब जब तक मैंने बोला 50 सेकंड हो चुके थे। तो अगर अभी यहाँ पे नॉकआउट मिला तो स्पाइडी के बचने के चांस ही नहीं होंगे, कोई उम्मीद ही नहीं होगी, क्योंकि ये जोन डेड जोन है, डैमेज इतना होगा कि एक गोली से ज्यादा डैमेज। और डार्क ने यहाँ पे सोल सांगवान को नॉकआउट किया। सो ब्रोलर्स के प्लेयर भी नहीं मान रहे हैं भाई, सोल की टीम लगातार यहाँ पे एक एक करके प्लेयर नॉकआउट हो रहे हैं, और मुझे नहीं लगता टीम सोल का अभी तक कोई किल हुआ। ओके एक किल यहाँ पे आ चुका है टीम सोल का, और स्पाइडी अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर ट्राई करे तो उनको किल जरूर मिल सकता है, बट जोन के अंदर जाना इतना ईजी नहीं रहेगा। मोटल अगर यहाँ पे
शायद दूसरी साइड से कवर देने में बिजी है, तब तक यहाँ पे स्पाइडी कर चुके हैं क्लोज इन। अगर यहाँ पे कॉल आती है तो गाइस देखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके सो मोर्टल को जरूर यहाँ पे साउंड सुनी होगी, भाई मुझे तो सुन गई है, पता नहीं मोर्टल को सुन गई है। स्पाइडी यहाँ पे वाइपर को नॉकआउट करता हुआ एक बार फिर से। ओके एंड यहाँ पे थोड़ा सा साथ देता हूँ, बट यहाँ पे मोर्टल भी एक बार नॉकआउट। सांगवान के पास मौका, एस्टेक की टीम इस मैच से खत्म। और अभी पूरी पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है सांगवान के ऊपर, क्योंकि यहां से हील करके निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है वाइपर एंड मोर्टल का। ओके सो सांगवान को ऐसे भागना पड़ेगा गाइस, कोई मौका नहीं है यहां पे। भाई सांगवान भागो भागो सांगवान। सो मोर्टल एंड वाइपर इस फाइट में हो जाएंगे फना। एंड यहाँ पे सांगवान शॉट्स खाते हुए, टीम सिनर्जी गेमिंग ने कंफर्म कर दिया टीम सोल को, तीन टीम नो प्लेयर। सो फोर वर्सेस टू वर्सेस थ्री की ये फाइट। टीम आईएनडी को इस कंपाउंड्स का काफी ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि काफी देर से हम लोग देख रहे हैं इसी जगह पे बने हुए टीम। एक बार चलते हैं ब्रोलर्स के पास। सो ब्रोलर्स के भी जोन में काफी लंबा रोटेशन देना, और ये बग्गी की हालत भाई कुछ ज्यादा मेरे को खास लग नहीं रही है। ओके सो सिनर्जी गेमिंग गाइस चिकन लेने की पूरी पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि मैन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लास्ट सर्कल। अगर लास्ट सर्कल में आपके जितने ज़्यादा प्लेयर्स उतना ही ज़्यादा फायदा मिलता है टीम को, और चार चार प्लेयर अगर आपके लास्ट तक भाई लास्ट जोन में आ चुके, तो भाई वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इसी तरह से सिनर्जी गेमिंग अभी 8 किल भी ले चुके हैं, टॉप 3 में भी आ चुके हैं। चिकन डिनर तैयार होता हुआ टीम सिनर्जी गेमिंग के लिए, देखना पड़ेगा गाइस यहाँ से कमाना पड़ेगा भाई। चिकन डिनर इतना ईजी नहीं होने वाला, क्योंकि जब टीम आईएनडी एंड टीम रोलर सामने हो तो भाई लोग मतलब हलवा थोड़ी ना है। बट जोन यहाँ पे एडवांटेज देता हुआ टीम सिनर्जी गेमिंग को, और ये दोनों टीमों का जोन काट सकते हैं। सो एक पोजीशन चाहिए यहाँ पे, आई थिंक ओस्टिन एक्स उसी रिज का तलाश करते हुए। सो थोड़ा आगे की तरफ गए थे, बट शायद यहाँ पे कॉल आई है टेडो सिल्वी की तरफ से। सो थोड़ा फॉल बैक किया, और इसी बीच यहाँ पे मुझे लगता है सिनर्जी गेमिंग का सफर और आसान होता हुआ, क्योंकि ब्रोलर्स और टीम आईएनडी यहाँ पे फाइट ले रही हैं। तो दोनों टीमों में से अगर कोई भी टीम कंफर्म होती है तो उसका सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है टीम सिनर्जी को। तो जैबरा यहाँ पे जोन के अंदर आते हुए, चारों तरफ गाइज यहाँ पे धुआं ही धुआं दिख रहा है हमें, और नेड की बरसात होती हुई दिखेगी हमें। सो जोन के अंदर आने में सक्सेसफुल रहे हमारे जैबरा भाई साहब। टीम आईएनडी के दोनों प्लेयर यहाँ पे जोन के अंदर आ रहे हैं। ओस्टिनेक्स ने यहाँ पे डार्क को नॉकआउट किया, और आइकोनिक अभी भी यहाँ पे जोन के साथ जुटते हुए, स्मोक जरूर हो रहे हैं आइकोनिक की तरफ से, बट मुझे लगता है कि काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। आइकोनिक का स्प्रे काफी ज्यादा हिला यहाँ पे, ओस्टिनेक्स पीएच जैबरा को भी खत्म किया, और आइकोनिक भी इस मैच से बाहर। सो स्लेयर वर्सेस टीम सिनर्जी गेमिंग यहां पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि स्नैक्स भी नॉकआउट है। और अभी यहां पे पता लग चुका है टीम सिनर्जी को कि भाई एक प्लेयर है, और अभी तो पूरी तरह से यहां पे चढ़ाई कर दी जाएगी। ओके सो MK14 ज्यादा कुछ काम ना आ पाई लास्ट फाइट में, बिकॉज चार बंदे और भाई सामने से अगर कस्टम के अंदर टूर्नामेंट के अंदर हो तो प्रेशर कुछ अलग ही लेवल का होता है। सिनर्जी गेमिंग काफी इजीली इन्होंने चिकन डिनर लिया, क्योंकि लास्ट सिचुएशन इनके कंट्रोल में थी गाइज। बैक टू बैक दो मैच और होने वाले हैं, जाइएगा नहीं कहीं भी। जितने भी लोग देख रहे हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 1000 लोग अपन को देख रहे हैं वोर जोन के चैनल पे गाइज। तो भाई थोड़ी सी सेल्फ प्रमोशन कर देते हैं, मेरा नाम है जैंकी, जो कि मैं चिल्ला रहा हूँ तब से भाई लोग। अगर आपको मेरी कास्टिंग अच्छी लगी, गलती से लग गई, तो भाई मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई लोग। सो भाई लोग जो भी मेरे को वोर में यहाँ पे देख रहे हैं भाई, वो तो सब्सक्राइब कर ही दो, और लाइक जरूर कर दो यार, लाइक कर ही नहीं रहे हो भाई, शिकायत कर रहे हैं यूट्यूब वाले। सो अभी कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडिंग्स की बात। सिनर्जी गेमिंग यहाँ पे 12 किल के साथ फर्स्ट पोजीशन पे, चिकन डिनर मिला टीम सिनर्जी गेमिंग को। आईएनडी की टीम सेकंड रैंक पे, काफी अच्छा खेला यार इन्होंने, होल्ड किया, और जिस पोजीशन इनको चाहिए थी आई थिंक उससे बेटर मिल गई, क्योंकि चारों तरफ इनकी टीम थी, बट जो वो कंपाउंड्स थे वहाँ पे होल्ड करने का फैसला बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा टीम आईएनडी का। सो टोटल 6 किल्स थे इनके। अगर पीएच की बात की जाए, यहाँ पे ब्रोलर्स की बात की जाए, तो टोटल 5 किल इनके थर्ड पोजीशन। सोल की टीम 1 किल के साथ फोर्थ पोजीशन आने में सक्सेसफुल। एस्टेक की बात कर ली जाए, किल्स थे इनके 7 फिफ्थ पोजीशन। आईएम की टीम यहाँ पे 1 किल के साथ 6th पोजीशन पे। 7th पे लाइव क्राफ्ट की टीम विथ 3 किल्स। एंटिटी की टीम यहाँ पे काफी अच्छा गेम प्ले दिखाया क्लच गोड और जोनी भैया ने, टोटल 8 किल्स और 7 किल क्लच गोड और जोनी के। सो हमेशा की तरह करके दिखाया, बट पोजीशन इनकी नहीं आ पाई ज़्यादा, क्योंकि सिचुएशन भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई थी, जहाँ पे क्लच गोड और जोनी को खत्म होना पड़ा। सो 8th पोजीशन पे, 9th पे यहाँ पे P7, 10th पे टीम गोड्स, 11 पे टीम INS, 12 पे टीम MYM, 13 पे टीम एलिमेंट, 14 पे टीम आई थिंक 7 सीज, 15 पे टीम हाइप,
16 पे टीम शेल्स, 17 पे टीम यूएमई एंड एलएस की टीम गाइज यहाँ पे 18 पे, 19 पे टीम आरआईपी। सो गाइज ये था हमारा पहला मैच, सो अभी सेकंड और थर्ड मैच होंगे। भाई मैं तो यही देख रहा हूँ। ओके शिवम भाई धन्यवाद आपका। ओके गाइस सो पहला मैच खत्म एंड अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। नेक्स्ट मैच टाइमिंग भाई जस्ट अभी शुरू हो जाएगा नेक्स्ट मैच, तो अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और सिर्फ 10 मिनट के बाद नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा। कहीं भी मत जाना भाई, आपकी फनी कमेंट्री अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच शिवम भाई। सचिन भाई वेलकम गाइस। जो भी लोग देख रहे हो यार, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। हेलो फ्रिकी हाउ आर यू।
heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. Let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Bitten logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Poppin', spittin' hot shit. I'm poppin', chronic. I think I'm motherfuckin' lost it. Making back, matter fact. Making racks where it's at. Have my back to the mat. Not an act, that's a fact. We attack in a pack. No, we act, no, we act. Think I'm black, off his ass. While I'm rap, cause it's death. Throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the man. Got a plan better than both brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I deprive. Yes, and I'm at a fight.
हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वॉर जोन और जंकी रोड गेमिंग चैनल पर। सो दोनों जगह लाइव स्ट्रीम हो रही है एंड हमारा सेकंड मैच हो चुका है स्टार्क। जो हमारा टूर्नामेंट चल रहा है इसका नाम है डार्क होर्स कप 2020। सो इसका ये सेकंड मैच है आज। सो सब लोग बने रहिए हमारे साथ, जितने भी लोग देख रहे हो सब लोग चैनल्स को जहाँ पे भी बैठे हो यार लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो, थोड़ा थोड़ा प्यार दिखाते रहो और अपने भाइयों की चोट बढ़ाते रहो। सो जो प्लेन पाथ इस मैच का है वो है चारकी से लेके हमारा मिलिट्री बेस तक, जोन का बिल्कुल सेंटर यहाँ पे बना है जो प्लेन पाथ, और एंट्री टिकट यहाँ पे जंप लगाते हुए आई थिंक ये लोग गाइज जॉर्जो पुल की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। यस, जॉर्जो पुल सिटी की तरफ। एंड टीम पी सेवन की बात कर ली जाए तो ये भी काफ़ी अर्ली जंप लगा चुके हैं और ये लोग भी जॉर्जो पुल सिटी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। एंड टीम लाइव क्राफ्ट की अगर बात कर ली जाए तो गाइज काफ़ी सारी टीम यहाँ पे जोन के स्टार्टिंग में भी जंप लगा चुकी है। टीम सोल यहाँ पे आई थिंक गटका की तरफ बढ़ते हुए, गटका या हॉस्पिटल वाले इलाके पे, और यूएमए की टीम भी टीम सोल के साथ निकल चुकी है। ओके, सो सोल की टीम काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेडेड यहाँ पे। वाइपर थोड़ा अलग चल रहा है, मतलब सब प्लेयर अपने अपने भाई छोटे छोटे कंपाउंड खोलने के लिए शायद निकल चुके हैं। और सोल मोटल के साथ यहाँ पे यूएमपी के प्लेयर, सो शायद सोल मोटल के लिए साथ में दिक्कत हो सकती है। मोटल एंड अमन दोनों एक साथ हैं जो कि जा रहे हैं गटका पे। सो गटका के ऊपर से भी ये लोग बाईपास निकल चुके हैं बिकॉज टीम यूएमपी इनके साथ है। देखते हैं इस गटका पे किसको यहाँ पे झटका मिलने वाला है। शाउट टू अस्पाक जा रहा। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ, टीम एंटिटी यहाँ पे जॉर्जोपुल सिटी के ऊपर आ चुकी है एंड सिटी में यहाँ पे टीम आईएनएसबी है। सोल की टीम काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड यहाँ पे छोटे छोटे कंपाउंड्स लूटते हुए गटका के पास वाले। यूएमई की टीम भी इसी तरह, दो प्लेयर यूएमई के गटका के ऊपर एंड बाकी प्लेयर यहाँ पे अगेन जो छोटे वाले कंपाउंड्स वहाँ पे लूट रहे हैं। एंड टीम एमआईएम पोचिंकी के ऊपर अकेली टीम है और जो जोन कटा है झारकी से लेके पोचिंकी तक एंड सेवरनी से लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक। सो ये काफ़ी अच्छा प्लेन पाथ और उसी के साथ यहाँ पे जोन भी काफ़ी अच्छा बना है। और यहाँ पे आई थिंक गाइस सिनर्जी गेमिंग की फाइट हो चुकी है। टीम एस्टेक के प्लेयर ने ओस्टिन एक्स को नॉकआउट कर दिया पिस्टल के द्वारा और गाइस मुझे लगता है दूसरा प्लेयर भी नॉकआउट हो जाएगा। गाड़ी चढ़ाई बट गाड़ी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बट यहाँ पे सैटन गाइस गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे हैं और दो इजी किल मिल सकते हैं यहाँ पे सिनर्जी गेमिंग को क्योंकि इनके पास कोई भी कवर नहीं है। तो मुक्को से सैटन को थोड़ी तकलीफें देते हुए और सिनर्जी गेमिंग यहाँ पे दो प्लेयर खोते हुए एस्टेक की टीम ने गाइस क्या ही दर्द दिया यहाँ पे सिनर्जी को। सिनर्जी का मिस्ट्री सामने से आता हुआ और शायद बग्गी है उनके पास, अगर उनके पास गन नहीं हुई तो भाई लोग शायद सिनर्जी दोबारा से दिक्कत में आ सकती है। तो सैटन दोबारा से भाई गाड़ी और गाड़ी की टक्कर करा के आई थिंक गाड़ी रोकना चाहते थे। सो इतना आसान नहीं, यहाँ पे मिस्ट्री ऑलरेडी निकल चुके हैं। टेड भी यहाँ पे काफी ज्यादा दूर अपने टीममेट से। एक बार देखते हैं शेल्स की टीम को। शेल्स की टीम आई है मिल्टा के ऊपर एंड मिल्टा के पास वाले इलाके पे हमें देखने को मिल रहा है टीम ब्रोलर्स। सो आइकोनिक को यहाँ पे मिल चुकी है M4 एंड M4 के साथ है इनके पास SKS। ओके गाइस, कारल और SKS। हेलो शुभम मल्होत्रा भाई, क्या हाल चाल। अगर याशनाया की बात कर ली जाए तो भाई याशनाया से एंटिटी क्या निकले बट यहाँ पे दो दो टीम अपना डेरा जमा के बैठ चुकी है। सो यहाँ पे टीम लाइव क्राफ्ट एंड टीम IM, तो दो दो टीमें हैं और दोनों टीमें थोड़ा सा दूर अभी की इस पोजीशन पे। IM माइटी यहाँ पे देखने को मिलता है और क्लाउनी दिखे, क्लाउनी के ऊपर यहाँ पे गोलियाँ जरूर बरसाई AKM विद 4X बट उनको गोलियाँ कनेक्ट नहीं हो पाई। वर्ल्ड म्यूजिक क्रिएशन भाई क्या हाल चाल। सोल को दिखाओ गाइस, सोल को ज़रूर दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे सोल को बताओ। बट जहाँ पे भी फाइट्स होंगी फाइट्स को कवर किया जाएगा, उसके बाद आपकी फेवरेट टीम को दिखा देंगे। सो अपने अपने फेवरेट टीम बताओ भाई, कौन कौन सी फेवरेट टीम है आपकी और किसको सपोर्ट करते हो। MIB गेमिंग थैंक यू सो मच भाई, ओपी कास्टिंग जस्ट ट्राइंग अ लिटिल बिट सर, और आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी कास्टिंग देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में।
एंड स्पेशली मेरे चैनल पे यार मैं थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ पे ड्यूअल कास्टिंग होती है, सो आपको दो दो दोनों एंगल देखने को मिलते हैं। सो अभी नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे दो दो चैनल पे एक साथ कास्टिंग कर रहा हूँ मैं, बट जब भी मैं अपने चैनल पे कास्ट करता हूँ, काफ़ी सारे स्क्रिप्ट कास्ट करता रहता हूँ मैं डेली बेसिस पे, सो वहाँ पे मैं ड्यूअल कास्टिंग करता हूँ, जो कि अभी कोई नहीं कर रहा गाइस, उसको बड़े से बड़ा कास्टर नहीं कर रहा, सो तुम्हारा भाई कर रहा है उसको, जैसे कि PMCU में आप देखते हो इस तरह से। सो अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, गोरो मेरा पावर हाउस क्या हो गया भाई पावर हाउस। ओके सो एस्टेक की टीम यहाँ पे हमें लिपोव का में देखने को मिल रही है, एंड सिनर्जी गेमिंग गाइस इनका घर है यार लिपोव का, इनका ड्रॉप पॉइंट हमेशा इन एंगल में लिपोव का रहता है, बट अभी के लिए ये लोग आए हैं सिनर्जी के थोड़ा लिपोव का सर लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड पे, क्योंकि वहाँ पे भाई पहले से ही एस्टेक के बंदे आए और उन्होंने दो बंदों को मौत के घाट उतार दिया। शेल्स की भी मिल्टा के ऊपर लूट करते हैं। RIP स्क्वाड यहाँ पे नो पे आ चुके हैं, और नो पे एक और टीम यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि हमारी LS की टीम। गाइस फेनेटिक नहीं खेल रही, फेनेटिक कल खेलेगी। एंड जो भी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं यहाँ पे कि फेनेटिक का नाम था गाइस, वो यूट्यूब ग्लिच था, सो वो पहले वाली स्ट्रीम का सारा डाटा पता नहीं कैसे आ गया, यूट्यूब ग्लिच था वो, और अभी दोबारा से यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे स्ट्रीम को तो आपको दोबारा से टीम लिस्ट वगैरह सब कुछ और टाइटल वाइटल सब कुछ आपको बराबर मिलेगा। भाई फेस कैम नहीं है गाइस, फेस कैम ऑन कर देते हैं लोग तुम्हारा लिए सब कुछ, ये लो फेस कैम आ गया। ओके गाइस सो फेस कैम सिर्फ मेरे चैनल पे दिखेगा, उधर नहीं दिखेगा। तो रेड जोन के अंदर यहाँ पे टीम MYM और पोचिंग की, आपको पता है भाई रेड जोन सबसे ज़्यादा पोचिंग की बनता है, सो टीम ब्रोलर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हलचल दिखाता है इस टाइम पे। UME और सोल की फाइट गाइस जो स्टार्टिंग में सबसे पहले दोनों टीम कूदी थी वहाँ पे फाइट हो चुकी है, सोल का एक प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट हुआ, डेस्ट्रो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, और अमन अभी भी नॉकआउट पड़ा है, अमन को कंफर्म करने में कोई ज़्यादा देरी नहीं लगाई जाएगी। पैसिव आईजेल यहाँ पे कंफर्म कर चुके अपनी टीम के लिए एक किल, और भाई साहब एक किल कंफर्म करके निकल चुके हैं अगली मंजिल की तरफ। भागवत प्रसाद तू ओपी है ब्रो, थैंक यू सो मच भागवत भाई, क्या बात है, मोटल इन द चैट। चंडीडी जेड गोड भी यहाँ पे INS रेड्स का शिकार होता है, बट जोनी का यहाँ पे कवर फायर गया, तो जोनी भैया ऐसे नहीं मरने देंगे अपने प्लेयर को। बट नियो यहाँ पे, नियो भी नोकआउट, दो प्लेयर यहाँ पे INS की टीम का आई थिंक शिकार बनते बनते बचे। ओके गाइस क्या ओपी गेम प्ले दिखाया यहाँ पे टीम एंटिटी ने, यहाँ पे क्लच गोड और जोनी भाई सब दो मेन असोल्टर यहाँ पे आए, और भाई आते ही यहाँ पे तहलका मचा दिया। सो INS के लिए इतना आसान नहीं है यहाँ पे किल कंफर्म करना, दोनों प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, और भाई साहब घिसरते हुए रगड़ते हुए अपने टीममेट के पास जाते हुए, बट भाई इतना आसान नहीं है अभी बच पाना क्योंकि रेड्स ऑलरेडी काफी ज्यादा लो, और ओरियन को क्लच गोड ने फिनिश ऑफ किया। यहाँ पे पाब्लो अपनी शायद दुख मनाने के लिए आएंगे, या तो फिर थोड़ा सा दुख कम करने के लिए आएंगे। ओके टीम INS अभी पीछे हटने वाली नहीं है, तो जोनी ने यहाँ पे स्पोर्ट किया अलादीन का एक काफी इजी लोक आउट, और मुझे लगता है पाब्लो भी यहाँ पे खत्म होते दिख रहे हैं। सो पोजीशन नहीं थी टीम INS, पाब्लो एंड अलादीन का यहाँ पे आने का फैसला बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरा था गाइज, बिकॉज पोजिशन फेवर में थी यहाँ पे, 4v2 की फाइट थी, एंड एक तरह से यहाँ पे सिचुएशन पूरी इनके बोलते ना यू आर अंडर अरेस्ट, वही हो चुका है यहाँ पे भाई टीम INS के साथ, बट कोई बात नहीं, एक मैच और INS का तो बदला शायद एंटिटी के साथ अगले मैच में लिया जा सकता है। एक बार देख लेते हैं हम टीम 7Seas को, तो टीम 7Seas का बूम्बा मैं यहाँ पे साथ में रिवेंज परफेक्ट सोनिक एंड रेयद, और यहाँ पे इनके सामने से निकलते हुए टीम IM के प्लेयर्स, सो IM वाले शायद जोन थोड़ा सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बीच RIP की फाइट हो चुकी है गाइस, चलते हैं टीम RIP के पास। ओके सुरेजर यहाँ पे LS ओमेगा को नॉकआउट कर चुके हैं, LS के दो प्लेयर यहाँ पे आई थिंक नॉकआउट हुए हैं, और AKM वर्सेस थॉमसन, रेजर यहाँ पे दो किल निकाल के ले गए भाई इस फाइट में, बॉब डॉब को खत्म किया। ओके रेजर यहाँ पे क्लच कर दिया गाइस, रेजर ने मजाक चल रहा है क्या, दो किल नहीं भाई क्लच हुआ है रेजर की तरफ से, सो हैशटैग RIP रेजर OP इन द चैट गाइस, थोड़ी तारीफें बनती है यार भाई की। तो नो के ऊपर दो टीम आई थी, और अभी यहाँ पे बादशाह जरूर खत्म हुआ इस फाइट में, बट भाई रेजर का ओपी क्लच हम दो प्लेयर तो मरते हुए देखे बट मिस कर दिया गाइस। लाइक कॉल है 300 का यहाँ पे,
पर 12 के कंप्लीट करा दो यार, आज बहुत दिन हो गया यार 12 के ही नहीं हो रहे हमारे। ओके सो यहाँ पे गन का आदान प्रदान चलता हुआ टीम एम वाई एम के शेडो एंड इमोटल के बीचों बीच। तो डीपी ली शेडो ने और इमोटल यहाँ पे अपनी कार्नन किट होल्ड करते हुए। टीम सोल के पास चलते गाइस। टीम सोल अभी आई थिंक लूट के लिए इधर उधर भागते हुए, कोई कोई ज़्यादा खास लूट मुझे नहीं लगता होने वाली है यहाँ पे टीम सोल के पास। और यहाँ पे दो दो टीम है, टीम यूएमई अभी गटका के ऊपर बैठी हुई है और टीम शेल्स भी गाइस यहाँ पे कंपाउंड पे आ चुकी है। ओके सो ब्रोलर्स के प्लेयर आ चुके हैं यहाँ पे पहाड़ के ऊपर, जो कि हमारा जॉर्जो पुल के पास वाला पहाड़ है वहाँ पे। और यहाँ पे छोटे छोटे जो दो कंपाउंड्स हैं वहाँ पे रुकी है टीम सोल। और राइट साइड पे अगर गटका की बात की जाए तो टीम यूएमई गटका के ऊपर और टीम शेल्स भी यहाँ पे आसपास देखने को मिल रही थी हमें। पीएच जैबरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीछे की तरफ जो कंटेनर्स के ऊपर शायद थोड़ी लूट की तलाश करता हुआ। सोल अलाइव, यस सर सोल इज अलाइव। हो तो गए 12 के, क्या बोल रहा है बे गाइस। मेरे चैनल पे यार जंकीर और गेमिंग के चैनल पे भाई 12 के नहीं हुए हैं, सो वहाँ पे भी कास्टिंग चलती रहती है, स्ट्रीम होती रहती है और वहाँ पे अभी स्ट्रीम चल रही है। सो आप लोग इस मैच के बाद जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर अभी भी कर सकते हो भाई, इट्स अप टू यू गाइस। ओके शेल्स रोक यहाँ पे यूएमई के प्लेयर को नॉकआउट करता है टीम शेल्स। काफ़ी देर से यहाँ पे मुझे लग रहा था कि उनकी फाइट होने वाली है क्योंकि तीन तीन टीमें थी उनके पास। ओके शेल स्ट्रोक्स के पास है ग्रोजा एंड लाल यहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए पैसिवाइजल नॉकआउट और मुझे लगता है यहाँ पे दो प्लेयर नॉकआउट हुए टीम यूएमई के भी। बाकी दोनों प्लेयर अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए आते हुए 420 यहाँ पे है और डेस्ट्रो है। सो रोक्स ने यहाँ पे पैसिव आईजीएल को कर दिया खत्म। आतंकी यहाँ पे पोजीशन पता लगा चुका है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी से आया पता है। पीछे से यहाँ पे थर्ड पार्टी होता हुआ लाल ने थोड़ा सा प्लैंक किया था बट लाल को यहाँ पे शॉट्स पड़े और 420 ने कर दिया हेडशॉट देके नॉकआउट वो भी M416 से। तो दो किल यहाँ पे कंफर्म किए टीम शेल्ट्स ने बट अभी भी इनका जो सबसे मेन प्लेयर है भाई शेल्ट्स लाल भाई साहब हमारे वो नॉकआउट पड़े और उनको बचाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। और रोक्स निकल चुके हैं उनको आई थिंक बचाने के लिए और यहाँ पे आतंकी एंड एश गेमर इसी बीच मुझे लगता है कि थोड़ा सा होल्ड करेंगे बिकॉज दो प्लेयरों का दो प्लेयर से फाइट लेना भाई थोड़ा सा मुश्किल, बजाय कि चार प्लेयर दो प्लेयर से फाइट ले वो काफ़ी इजी रहने वाला है। एक बार रोक्स के एंगल पे चलते गाइस। डेस्ट्रो को यहाँ पे टप टप शॉट्स पड़ते हैं 420 भी आई थिंक यहाँ पे थोड़ा डैमेज किया और अभी ये पोजीशन आतंकी के लिए काफ़ी ईजी रह सकती है। ओके सो आतंकी और एश गेमर भाई लोग इस फाइट को काफ़ी आसान बनाया और सबसे ज़्यादा किल मुझे लगता है गाइस इस टाइम पे रॉक्स के। ओके तीन किल निकाले रॉक्स ने। अभी चलते हैं हम टीम एंटिटी के पास। पीएच अलाइव और नॉट, यस सर पीएच इज अलाइव, गॉड लाइक नहीं है भाई। सो टीम एंटिटी चारों प्लेयर के साथ अभी चार किल हो चुके हैं इनके। आई थिंक यहाँ पे इनकी फाइट देखने को मिल सकती है। P7 की टीम है यहाँ पे और P7 हमारे जॉर्जपुर सिटी वाली साइड इन्होंने स्क्वाड हाउस होल्ड किया हुआ है। कंटेनर्स पे भी अकेली टीम टीम एंटिटी, बाकी टीम्स का भी मैं आपको हाल दिखाता हूँ। टीम IM यहाँ पे गाइस जमुना पार वाले इलाके में रुकी है जो कि हमारा रोजोक पार वाला पानी के पार वाला इलाका है। टीम सोल भी जोन के सेंटर में आ चुके हैं, शूटिंग रेंज के पास आ चुके हैं। यहाँ पे अमन स्टार्टिंग में खत्म हो गए थे, शूटिंग रेंज की गुफा में यहाँ पे सांगवान भाई साहब भागते हुए VSS और OZI इनके पास। एक बार वाइपर के पास देख लेते हैं। मोटल के पास DP आ चुके हैं, DP AKM एलक्राफ्ट जूम ने यहाँ पे सिनर्जी के मिस्ट्री को नॉकआउट किया है गाइस। सो मिस्ट्री को फिनिश ऑफ कर देगा टेड, यहाँ पे अकेला प्लेयर बचा अपनी टीम की तरफ से। सो ये मैच सिनर्जी के लिए कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं है। ओके सो यहाँ पे आई थिंक टीम गोर्स ने टीम सोल को यहाँ पे सपोर्ट कर लिया है और उनको शॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा झेलने पड़े हैं। सो मॉडल के पास तो गाइस काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, उनका फेवरेट
AKM with BP. क्षितिज वो एलिमेंट्रिक्स नहीं है भाई, मुझे पता है यार एलिमेंट्रिक्स नेपाल से है, एलिमेंट इंडिया से है, मैं गलती से बोल जाता हूँ, मुझे आदत हो गई यार, मैं स्क्रीम्स इतनी ज़्यादा कास्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत कभी कभी ना जल्दबाजी में हो जाता है वो किसी, बट सॉरी फॉर दैट गाइस, एलिमेंट्रिक्स नहीं खेल रही, एलिमेंट ई स्पोर्ट खेल रही है जो कि इंडियन टीम है हमारी. When you are going to play in Dilip sir, never. मैं सिर्फ कास्ट करना चाहता हूँ, मेरा कम्पिटिटिव में जाने का कोई इरादा नहीं, बिकॉज मेरे पास डिवाइस नहीं है यार, मेरा मैं नॉर्मल गेम नहीं खेल पाता हूँ, सो मुझे डिवाइस चाहिए उसके लिए सबसे पहले. ओके सो टीम सोल के पीछे से यहाँ पे एक और गाड़ी है, तो वाइपर को गाइस गुफा से बाहर निकलना पड़ा महंगा, और नॉकआउट कर दिया यहाँ पे VCS ने, एक ही मौका मिला और भाई मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया यहाँ पे. एक बार टीम सोल के पास हम जाके देख लेते हैं कि ओके सो वाइपर रिवाइव होते हुए गाइस किस्मत यहाँ पे अच्छी टीम सोल की कि वाइपर सही मोमेंट पे यहाँ पे आ गया, और गोड्स मनु आई थिंक गाड़ी लेके निकल चुके हैं इस जगह से. अगर बात कर ली जाए RIP स्क्वाड की, तो RIP स्क्वाड भी यहीं पे बनी हुई है. टीम IM के यहाँ पे फाइट होते हुए पीछे की तरफ, ट्रैफिक के सैटल को फिनिश ऑफ कर दिया गया. एक और प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट हुआ, बॉम्बर ने यहाँ पे वोज वंस को नॉकआउट किया DP के हेडशॉट से. एक बार देख लिया एस्टेक की टीम को, आइकोनिक ने यहाँ पे वोज वंस को फिनिश ऑफ कर दिया. सो एक किल अपनी टीम के लिए पॉइंट बनाते हुए यहाँ. ओके एस्टेक स्पाइडी भी नॉकआउट, टीम IM से भिड़ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा. सोल मोटल ने यहाँ पे RIP स्क्वाड रेजर को किया नॉकआउट, और मुझे लगता है गाइस यहाँ पे टीम सोल फिनिश होती हुई दिख रही है गाइस मुझे. वाइपर अकेला बचा, मोटल को रिवाइव जरूर मिल चुका, और शायद यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई टीम सोल के लिए. सांगवान भी अपने आप को हील करेंगे, मोटल का सबसे अहम योगदान रहेगा इस फाइट में. वैम्पी ने यहाँ पे शेल्स के एश गेमर को नॉकआउट किया M416 से. नेड़ा है यहाँ पे, और किस्मत अच्छी थी मोटल की कि वो नॉकआउट नहीं हुए यहाँ. वाइपर अभी भी यहाँ पे ऊपर की तरफ बने हुए हैं, स्मोक चारों तरफ कर दिया गया, और अगर यहाँ पे गाड़ी फंसा दी गई तो भाई लोग RIP स्क्वाड के लिए फ्री किल हो सकते हैं. मोली फेंकी गई, वाइपर को भी डैमेज पड़ सकता था, बट फिर से किस्मत अच्छी इनकी. ओके सो सबसे अच्छा मौका इनके लिए वहाँ पे, शायद यहाँ पे ब्लॉक भी किया जा सकता है गाइस टीम सोल को. ओके तो तीनों प्लेयर निकल चुके हैं यहाँ पे. ओके सो यहाँ पे करण सामने की तरफ आए, फ्री फायर, नॉकआउट किया वाइपर ने, अकेला वाइपर बाहर निकला, डेडली हेडशॉट दिए, नॉकआउट करके कंफर्म करने की पूरी तैयारी थी गाइस, क्या ही यहाँ पे कवर आता हुआ टीम सोल का. ओके सो एक और प्लेयर नॉकआउट, करण यहाँ पे फिनिश, करण यहाँ पे फिनिश क्योंकि सांगवान छोड़ने वालों में से नहीं है गाइस. और टीम सोल का क्या ही ओपी कोऑर्डिनेशन, जिस तरह से देख रहे थे हम यहाँ पे, मोटल ने नेड निकाला था और पीछे से सांगवान और वाइपर दोनों कवर फायर के लिए तैयार थे गाइस. सो RIP स्क्वाड गाइस बड़ा पछता रही होगी इस मोमेंट पे, जिस टीम सोल से उन्होंने यहाँ पे इस मोमेंट पे फाइट ली. नोट मेजर अल्फा यहाँ पे न्यूएसटी रौनक का शिकार बनते हुए. सो सोल यहाँ पे गुफा के अंदर, और बाहर यहाँ पे अलग ही फाइट चल रही है. टीम आईएनडी स्लेयर यहाँ पे आए हैं माइटी को Kar98 के फटके से नॉकआउट करते हुए. फाइट्स काफी इंटरेस्टिंग बनती हुई यहाँ पे, लगातार नेड पे नेड फोड़े जा रहे हैं बिकॉज न्यूएसटी रौनक यहाँ पे अकेले हैं. गोड्स VCS एंड गोड्स मनु, ये लोग भी 2-man स्क्वाड हो चुके क्योंकि 3-man स्क्वाड ऑलरेडी खेल रहे थे. नॉट मेजर अल्फा की मौत हो चुकी थी. रोनो कहां पे फिनिश किया सोल मोटल ने, और मोटल ने यहां पे एक बार फिर से गाइस गोर्स मनु को भी नॉकआउट किया. तो मोटल ऑन फायर, लास्ट प्लेयर बच चुका, मोटल अभी नॉकआउट हुआ एंड कवर फायर आया था BCS की तरफ से. सांगवान भाई कहां छोड़ने वाले थे, मोटल फिर से दोबारा से एक बार जान बची क्योंकि भाई जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है सोल की टीम की तरफ से वो कुछ अलग ही लेवल का है.
इसी बीच वाइपर दोबारा से रिवाइव दे देंगे, चार किल इनके हो चुके हैं। दो टीमों को इन्होंने आई थिंक खत्म किया, टीम आरआईपी और टीम गोड्स को, सो पूरी तरह से खत्म नहीं कर सके, बट दो दो किल्स दोनों टीमों के लिए। गाइस हैशटैग टीम सोलो इन द चैट, बट एंटिटी की टीम बीच यहीं पे पहुंच चुकी है, पांच किल इनके हो चुके हैं और देखना पड़ेगा जोनी भैया और क्लच गोड का गेम प्ले किस तरह से रहेगा। 10 टीम 35 प्लेयर अभी बाकी हैं, टीम एंटिटी अभी जोन में, टीम सेवन सीज अभी जोन में, टीम सोल भी जोन में, और ये जोन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता होगा गाइस, क्योंकि आधा एरिया यहाँ पे पानी के अंदर बन चुका है और भाई लोग इस मतलब जो जगह बच जाएगी, जो ग्राउंड एरिया रह जाएगा वो काफी ज्यादा कम रहेगा और भाई हमें फाइट देखने मजा आएगा। टीम शेल्स पे भी चार किल के साथ चारों के चारों प्लेयर अभी तक जोन के अंदर सक्सेसफुली जिंदा बैठे हुए हैं। एक बार देख लेते हैं एमएम की टीम को, आई थिंक लोग यहाँ से डाउन कर सकते हैं लाइफ क्राफ्ट के एक प्लेयर को, क्योंकि इनके पास एक अच्छा एंगल बन सकता है, एसकेएस विद स्कारल है इनके पास। तो सोल सांगवान को यहाँ पे रिवेंज के प्लेयर ने नॉकआउट किया, मोटल की तरफ से स्मोक हुआ और जल्दी जल्दी यहाँ पे शायद सांगवान को रिवाइव कर देना चाहिए। सो गाइज ये पोजीशन काफी ज्यादा बेहतरीन बनी हुई है टीम सोल के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है यहाँ पे मोटल भी नॉकआउट हुए, सांगवान भी नॉकआउट हुए, वाइपर भी नॉकआउट हुए, और एक बार नहीं भाई काफी बार नॉकआउट हुए, इसके बावजूद भी ये टीम अभी तक जिंदा। और यहाँ पे एक फ्लेयर ड्रॉप मंगाई गई है, एक नहीं दो फ्लेयर ड्रॉप देख लेते भाई, और तो नहीं हारी, तो दो दो फ्लेयर ड्रॉप आई है गाइज यहाँ पे, और टीम रिवेंज का शायद यहाँ पे भाई निगाह रहेगी इस चीज पे, जैसे ही टीम सोल यहाँ पे लूटती है। सो एक अच्छी चीज यह है, गन्स तो मिलेंगी, साथ ही साथ यहाँ पे टीम सोल को मिल जाएगा लेवल 3 का पूरा वेस्टर्न हेलमेट। सो AWM और ओग हाई है ये वाले ड्रॉप में, शायद मोर्टल उठा सकते हैं AWM। यस गाइस मोर्टल ने ले लिए AWM, सो देखना पड़ेगा भाई AWM का प्रसाद किस किस को बांटा जाएगा। यहाँ पे टीम सेवन सीज के प्लेयर ने यहाँ पे रश कर दिया और टीम सोल एक बार फिर से तैयार हो चुकी है परफेक्ट ने यहाँ पे भाई साहब क्या ही परफेक्ट सीन दिखाया कि आके भाई साहब सबसे पहले चुराया है फ्लेयर ड्रॉप। सो चोरी की घटना होते हुए यहाँ पे नेड निकाला रेयद ने, ओके नेड पूरा कुक किया, नेड फेंका जिसका कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि सोल की टीम भाई इनको एक्सपीरियंस है फाइट लेने का, अभी अभी ताज़ा एक्सपीरियंस है इनको, और भाई इसी तरह से सेम सिचुएशन थी इनके लिए पहले भी, और उसको काफ़ी समझदारी के साथ उन्होंने खेला था। अभी बाहर की मॉडल के पास AWM एंड साथ ही साथ AWM और M416। ओके सो टीम सेवन सीज के प्लेयर आए थे ड्रॉप लूटने के लिए और भाई ड्रॉप लूट के वो भाग गए हैं भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ चोरी करने आए थे वो, बट अभी एंटिटी के साथ इनको उलझना पड़ेगा कि एंटिटी के साथ ऑलरेडी मौजूद थे, रेस के पास ग्रोजा जरूर है, बट ग्रोजा भाई दो बंदों से भाई तारा नहीं हो सकता था। ओके सेंटिटी जेड गोड फिनिश ऑफ हो चुके हैं, जोनी नॉकआउट पड़े हैं, क्लच गोड यहाँ पे काफी ज्यादा पीछे की तरफ, एंड सोनी के यहाँ पे आई थिंक जोनी को कंफर्म कर देंगे। ओके सो यहाँ पे बूम बाम ने भाई कंफर्म कर ही दिया, अभी क्लच गोड अकेला बचा है अपनी टीम की तरफ से, और क्लच गोड अभी जोन के अंदर जरूर है, बट भाई लोग इसकी पोजिशन काफी ईजिली पता लग सकती है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और तलाश जरूर रहेगी टीम सेवन सीज के प्लेयर को। एंटिटी के लास्ट प्लेयर की टीम INDB यहाँ पे पीछे की तरफ, और INDB के चारों प्लेयर इस मैच में बरकरार, स्लेयर के पास चलते हैं, उनके पास अब की बार कार 98 के साथ MY की टीम को सपोर्ट कर चुके हैं। लाइव क्राफ्ट वर्सेज MM यहाँ पे चल रहा है, नेड के साथ MM के शेडो को नॉकआउट किया और जूम बूम यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए नेड आया, जूम बूम काफी ज्यादा लो यहाँ पे। ओके सो क्लोक को भी यहाँ पे शॉट झेलने पड़े, ओके सो हैश गेमर यहाँ पे लाइव क्राफ्ट के जूम बूम को नॉकआउट करते हुए, बट क्लाउनी ने जो नेड फेंका भाई लोग वो यहाँ पे शेडो को दूसरा नॉकआउट देते हुए, सोएल क्राफ्ट के तीन प्लेयर नॉकआउट रश करने के लिए चले थे, बट पीछे से यहाँ पे हो गई घुसपैठ, और शेल्स की टीम भाई क्या ही जबरदस्त यहाँ पे रश किया इन्होंने, थर्ड पार्टी किया है, MYM की प्लेयर्स अभी दोबारा से यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, सो अभी उनको निपटना है शेल्स की टीम के साथ। क्लाउनी और जूम बूम यहाँ पे तैयार फाइट लेने के लिए, लाल यहाँ पे सोल्टिंग दिखाते हुए जूम बूम को एक बार फिर से नॉकआउट किया, नेड आया यहाँ पे और रेड दोबारा से काफी ज्यादा लो, सामने की तरफ MYM की टीम भी है, सो शेल्स को भी यहाँ पे काफी समझदारी से खेलना पड़ेगा। और पीछे से आई थिंक INDB स्लेयर भी कोशिश कर रहे होंगे अपनी कार 98 का इस्तेमाल करने के लिए,
सो गाइस सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरी यहाँ पे। सो इट्स साइफर तो फिनिश ऑफ हो चुका है, क्लोक यहाँ पे नीचे की तरफ आते हुए, जूम बूम अभी भी जूझते हैं यहाँ पे जिंदगी और मौत के साथ, क्योंकि वो नॉकआउट पड़े हो यार। नॉकआउट भाई यहाँ पे इस पोजीशन में बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। सो मुझे लगता है भाई पानी के अंदर उनका डब्बा बनने वाला है। बाकी क्लाउनी और न्यू बाइटी दोनों के दोनों तैयार हो चुके हैं, जूम बूम गिरे पानी के अंदर। और गाइज क्या किस्मत है यहाँ पे, क्या ही किस्मत है गाइज, पानी के अंदर भी उनकी मौत नहीं हुई भाई लोग। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पे एलक्राफ्ट दोबारा से फाइट में देखेगी। फटक यस ओके गाइस, सो यहाँ पे सोल सांगमान भी फिनिश ऑफ हो चुके हैं, जोन काफी ज्यादा दूर। मोर्टल और वाइपर भाई साहब दोनों के दोनों बाकी हैं, और एंटिटी क्लच गोल्ड अभी भी इस मैच में बरकरार। एंडी स्लेयर ने एमएम बिलीव को नॉकआउट किया कार 98 से, क्लाउनी ने यहाँ पे लाल को नॉकआउट किया। तो गाइस यहाँ पे समुद्र किनारे काफी तगड़ी फाइटें चलते हैं, एमवाईएम के प्लेयर यहाँ पे अभी भी बरकरार। बट यहाँ पे शेल्स रोक ने शैडो को थर्ड नॉकआउट किया, और थर्ड बार में भाई ये बच नहीं पाए, क्योंकि भाई डायरेक्टली ग्रोजा नाम का जायर पिला दिया गया उन्हें। सो एलक्राफ्ट अभी गाइस उनके तीन प्लेयर नॉकआउट हुए थे, और तीन प्लेयर अभी भी जिंदा इस मैच में, बट जोन उनका साथ नहीं दे रहा, जोन से बाहर हो चुके हैं लोग। अगर शेल्स को देखने जाए तो एश गेमर आतंकी और शेल्स रोक्स बचे हैं, बट एश गेमर के ऊपर यहाँ पे डीपी का स्प्रे आता हुआ सोल वाइपर की तरफ से। 10 टीम और 25 बंदे गाइस, कब से देख रहे हैं हम 10 ही टीम है, कोई भी टीम खत्म नहीं है। और ये जो तीनों टीम ने यहाँ पे अपने आप को बचा के रखा गाइस बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ। एश गेमर का यहाँ पे किल मिल चुका है सोल वाइपर को, एमआईएम क्लोक को यहाँ पे शॉट खाने पड़े थे आई थिंक जूम बूम की तरफ से। आतंकी ने सोल वाइपर को फिनिश किया, तो टीम सोल यहाँ पे इस मैच से बाहर होती हुई 10th पोजीशन पे। अभी भी 9 टीम और 23 बंदे बाकी, शेल स्ट्रोक्स यहाँ पे एक और किल कंफर्म कर रहे हो। ओके एम स्लेड ने यहाँ पे एक और नॉकआउट दिया, और जोन के बिल्कुल एच पे 105 मीटर इनको जोन में जाना है। ओयो रूम को भी अभी मिल चुका है रिवाइव। सो गाड़ी जरूर उन्होंने सक्सेसफुल उठाई, बट एक मिनट के अंदर इनको जोन के अंदर जाना, नहीं तो ये डेड जोन इनको मौत के अलावा कुछ नहीं देगा। लाइव क्राफ्ट की टीम के ऊपर यहाँ पर भारी लगते हुए शायल्स के प्लेयर्स, एंड आतंकी की बार नॉकआउट हुए, बट रोक्स ने उसको बचाया। रोक्स के हो चुके गाइस टोटल 5 किल, 3 किल यहाँ पे हो चुके हैं आतंकी के, और एक और प्लेयर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो कि लाइव क्राफ्ट का, पानी के अंदर गाइस अपनी जिंदगी और मौत के साथ जूझता हुआ। एंड अगर बात करें जाए ब्रोलर्स की, सो ब्रोलर्स की टीम भी समुद्र किनारे टिकी हुई है। एंडी की टीम एक बार फिर से गाइस जोन के बीचों बीच यहाँ पे बीआरडीएम फोर्ड के मौत हो चुकी है, रिवेंज परफेक्ट की। 7 टीम 15 बंदे अभी बाकी। ओके एलक्राफ्ट नूब भी यहाँ पे खत्म हुए, अभी रह चुके इस मैच में 6 टीम। स्वयं वैम क्लोक किसी ना किसी तरह से अपने आप को इस मैच में बनाए हुए हैं, और टॉप 6 में इसकी टीम आ चुकी है। देखते हैं गाइस क्या ये ऊपर जा पाएंगे या नहीं। सो उसी से डिसाइड हो पाएगा कि ये टॉप 5 टॉप 4 टॉप 3 में जाएंगे कि नहीं। मुझे लगता है गाइस यहाँ पे पोजीशन पता है आइकोनिक को, सिनर्जी गेमिंग टेड की। सो दोनों साइड यहाँ पे देखते हुए एमआईएम क्लोक की मौत हो चुकी है, शेल्स रुक के कोर किल निकालते हैं अपनी टीम के लिए। सो 5 टीम 13 बंदे अभी भी बाकी। ग्रेट गेमिंग लव यू सर। सो गाइस बिल्कुल ओपन जोन यहाँ पे रिच जरूर है, और एक ये पानी के साइड वाला इलाका काफी ज्यादा सही रहता है अगर यहाँ पे जोन बने, बट जोन ने लास्ट यहाँ पे साथ नहीं दिया टीम एम एम का। तो ब्रोलर्स ने मारी एंट्री जोन के अंदर, और यहाँ पे स्वागत किया टीम एम ने। ओके शायद सदंकी ने यहाँ पे टीम आईएनडी क्रेटोस को नॉकआउट कर दिया है।
शैल्स भी यार काफी अच्छा खेल रहे हैं, 9 किल हो चुके हैं इनके, और ये दोनों प्लेयर ने किल लिए हैं जो दोनों बाकी हैं अभी, हमारा आतंकी भाई और रोक्स भाई, 3 किल हो चुके हैं आतंकी और 6 किल हो चुके हैं रोक्स के। यहाँ पे पीएच आइकोनिक के ऊपर नेड आया और नेड से यहाँ पे नॉकआउट किया गया एनडी के प्लेयर को। बट शैल्स वालों को भाई बहुत दूर सफर तय करना है, 50 मीटर अभी लास्ट जोन में, 60 मीटर बचा अभी और सिर्फ 50 सेकेंड। आईएम की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हुए इस मैच में, क्योंकि चारों प्लेयर उनके जिंदा, तीन प्लेयर यहाँ पे टीम आईएनडी के भी जिंदा है, सिनर्जी गेमिंग का टेड अकेला बचा हुआ है। टीम ब्रोलर्स की अगर बात कर ली जाए तो ब्रोलर्स की टीम भी स्ट्रॉन्ग, बट अभी भी एक नॉकआउट पड़ा उनका आइकोनिक एंड ओके सब के, और बॉम्बर को नॉकआउट किया यहाँ पे ओयो रूम ने। सो थोड़ा सा फ्लैंक देखने को मिला था ओयो रूम का और वो सक्सेसफुली हुआ, बट यहाँ पे टेड शायद अगर नॉकआउट कर दे यहाँ पे ओयो रूम को तो भाई लोग ओयो रूम का यहीं पर डब्बा बन जाएगा। गाइस एक मैच और है इसके बाद और सेम यही टीम्स खेलने वाली हैं, एक मैच और होगा इसके बाद। सो अगर मैं आपको ड्रोन व्यू से यहां से पोजीशन दिखा देता हूं, टीम आईएनडी अभी स्मोक कर चुकी है और जोन से थोड़ा सा बाहर, टीम शेल्स भी अभी जोन से बाहर है। अगर बात कर ली जाए हमारी टीम नंबर 16 जो कि आईएम की टीम, सो इनके पास पोजीशन काफी अच्छी, सिनर्जी गेमिंग का टेड यहाँ पे जोन के बिल्कुल एज पे लेटा हुआ है एंड ब्रोलर्स के प्लेयर्स भी यहाँ पे जोन के अंदर। आतंकी ने दोबारा से नॉक आउट किया पे क्रेटोस को, बट आतंकी को यहाँ पे स्नैक्स की तरफ से M4 के शॉट खाने पड़े और जोन के बाहर वो नॉकआउट होते हुए, सो अभी चाहते हुए भी यहाँ पे रोक्स नहीं बचा पाएंगे। ओके ओयो किल ने यहाँ पे आतंकी का किल चुराया गाइस, अपनी टीम के लिए एक पॉइंट कमाया यहाँ पे और टीम आईएनडी को इस टाइम भाई साहब किल चुराने का बहुत सारा गुस्सा होगा। शैल्स रोक्स भी यहाँ पे ब्रोलर्स की टीम का शिकार बने, आईएनडी क्रेटोस प्ले जोन से खत्म हो चुके हैं, स्लेयर को यहाँ पे रोक्स का किल मिल चुका है, आईएनडी स्नैक्स को यहाँ पे जेरफ फिनिश ऑफ कर चुके हैं गाइस। अभी बची है 3 टीम, सिनर्जी गेमिंग का टेड जिसको कि किस्मत ने बहुत ज्यादा साथ दिया है, 37 मीटर अभी जरूर जोन में जाना, बट किस्मत ने साथ दिया तो इसीलिए इसकी टीम आई है टॉप 3 में, नहीं तो जब तक हमने देखा 10 टीम थी तब भी अकेला ही बचा होना चाहिए प्लेयर। गाइस मौका जरूर है यहाँ पे टेड के पास एक किल निकालने का, बट अगर इन दोनों टीम में से एक भी टीम खत्म होती है तो ज्यादा फायदा रहेगा यहाँ पे टेड को, और भाई नेड फोड़ना बहुत जरूरी है यहाँ पे, अगर नेड से नॉकआउट किया तो ओयो रूम को नहीं पता लगने वाला कि कहाँ से गोली पड़ी है। बट 18 सेकंड और अभी कोई मौका नहीं रहेगा टेड को, या तो यहाँ पे हील बैटल करना पड़ेगा या निकलना पड़ेगा जोन के अंदर। हील बैटल करने के लिए इनके पास पर्याप्त सामग्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट एड एंड हेलमेट वेस्ट भी गाइस इनके पास कुछ ज्यादा खास है नहीं है, तो ओयो रूम के ऊपर नेड फेंकते हुए शायद ये नेड सक्सेसफुल फटेगा। ओयो रूम को किया गया नॉकआउट, टेड यहाँ पे मुझे लगता है किल निकाल सकते हैं जोन क्लोज इन करता हुआ, और टेड के पास कोई ज्यादा खास मौका है नहीं अभी के लिए, और टेड को यहाँ पे खत्म किया माइटी ने। तो जैसे ही स्पॉट हुए माइटी ने कोई भी देरी नहीं की यहाँ पे, आईएम की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्योंकि 4 vs 2 की फाइट, बट प्रैक्टिकली यहाँ पे अभी 2 vs 2 की फाइट क्योंकि 2 प्लेयर नॉकआउट, ओयो रूम नॉकआउट, जेरफ नॉकआउट, और पीएच टीम के पास सबसे बेहतरीन मौका है यहाँ पे रश। जैबरा नॉकआउट डीपी का शिकार बनते हुए, ओके डीपी से शॉट का है बट नॉकआउट वे स्लेड के M416 से, और जैबरा को कंफर्म कर दिया गया बॉम्बर जोन से बाहर, और बॉम्बर को भी यहाँ पे स्लेड ने खत्म किया। चिकन डिनर फॉर टीम आईएम यहाँ पे 11 किल के साथ फर्स्ट पोजीशन पे आया टीम आईएम। और गाइस जितने भी लोग देख रहे हो मुझे वॉर जोन के चैनल पे, मेरा नाम है चेंकी एंड मैं कास्टिंग कर रहा हूँ गाइस, सो मेरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो, चैनल का नाम भी चेंकी रोर गेमिंग एंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ बट जो भी बोल रहा हूँ गाइज मेरी बात मान लो। सो जाओ एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और मैं भी स्टैंडिंग्स आपके सामने बता देता हूँ। पीएच की टीम जो कि ब्रोलर्स की टीम है 2 किल के साथ सेकंड पोजीशन पे, सिनर्जी गेमिंग का यहाँ पे टेड जो कि अपनी टीम को थर्ड पोजीशन पे ले गया, किल नहीं था भाई बट पोजीशन इतनी अच्छी है कि इनको पॉइंट्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। टीम आईएनडी की अगर बात कर ली जाए तो 6 किल के साथ फोर्थ पोजीशन पे, भाई टॉप 5 में तो आईएनडी का नाम लिख ही लिख लो क्योंकि आना ही आना है भाई इनको, रोटेशन सबसे बेस्ट टीम आईएनडी के। टीम शेल्स की बात कर ली जाए 4 किल यहाँ पे आतंकी के, 6 किल रोक्स के, सो टोटल 10 किल के साथ फिफ्थ पोजीशन पे। एमवाईएम की टीम 2 किल के साथ 6th पे, 7th पे यहाँ पे लाइव क्राफ्ट की टीम, 8th पे यहाँ पे 7Seas, 9th पे एंटिटी, 10th पे सोल, 11th पे टीम P7, 12th पे टीम गोट्स, 13 पे एसटेक, 14 पे टीम आरआईपी, यूएमई की टीम 15 पे, उसके बाद यहाँ पे BYR 16 पे, LS की टीम 17 पे और INS 18 पे। सो गाइज एक मैच और बाकी है अभी, सो जाइएगा नहीं कहीं, और जो भी देख रहे हैं अपन को वॉर जोन पे सबके सब मेरे चैनल पे आ जाओ क्योंकि यहाँ पे वेबकैम के साथ, मतलब बोले ना फेस कैम के साथ लाइव स्ट्रीम हो रही है।
एक मैच हो रहा है। We'll be right back.
walls that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. And she hates me now, I'm in the station now. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel alone. I'm feeling low, about to blow back up. Have I never let it down? गाइस तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे वॉर जोन के चैनल पे और साथ ही साथ जंकी रोड गेमिंग के चैनल पर भी, दोनों जगह पे स्ट्रीम चल रही है। एंड हमारा थर्ड और आज का आखिरी मैच हो चुका है स्टार्ट, जो कि हमारा मैप होने वाला है वो है हमारा वीकेंडी मैप। सो टोटल 69 बंदे 70 हो चुके हैं यहाँ पे। अरे डार्क हाउस है विलेजर में, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं
भाई अब अपने टीयर के हिसाब से स्लॉट मिलते हैं टेक्निकल गेमर भाई, जो भी आपका टीयर होगा वैसे स्लॉट मिल जाएंगे। भाई आप इससे कितना कमाते हो? भाई अभी तक कोई कमाई नहीं हो रहा, बट हाँ कास्टिंग के लिए अब से मैं पेड कास्टिंग स्टार्ट कर दूंगा, ओनली पेड कास्टिंग। अभी तक मैं फ्री किया है मैंने काम सबके लिए, बट अभी से जिसको भी गाइस कास्टिंग करानी है किसी भी टूर्नामेंट में छोटे बड़े में, सो विद प्रॉपर सेटअप आई विल कास्ट। हेलो भाई वोर्मेनिया टूर्नामेंट पर क्यों नहीं कास्ट करते? भाई वोर्मेनिया पे भी कर लेंगे कास्ट भाई, अभी नहीं करना वोर्मेनिया पे कास्ट, वो बेवफा निकले भाई वो। सो गाइस थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाओ, सोल और एंटिटी विच टीम यू सपोर्ट बोथ, भाई मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, अगर आपकी टीम भी आएगी तो आपकी टीम को भी बराबर सपोर्ट करूँगा, लाइक सबको। सो गाइस यहाँ पे प्लेन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे दगाबाजी करता हुआ, क्योंकि सेंटर बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा दूर है और टीम्स को यहाँ पे काफ़ी दूर दराज इलाके में जाते हुए दिख सकते हैं, लाइक कोस्मोड्रोव, ट्रेवानो, पेशकोवा और यहाँ पे डोब्रो से लेके वाइनरी तक चलता हुआ है प्लेन। सो लेफ्ट साइड वाला जो इलाका रहेगा काफ़ी ज़्यादा रश रहेगा और राइट साइड मुझे नहीं लगता है गाइस मोवात्रा और डिनो पार्क की तरफ ज़्यादा कोई टीम आने वाली है, और आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पे सिर्फ दो या तीन टीमें दिखी जो हमें मोवात्रा की तरफ, उसके अलावा डिनो पार्क पूरा का पूरा यहाँ पे खाली दिख रहा है। आरआईपी स्क्वाड है ये लोग भी आई थिंक, ओके तो वाइनरी की तरफ जाते हुए टीम कर्मा का कैस्पियन आई थिंक बोलनोवा की तरफ जा रहा है। सो एक बार हम चलते हैं पी सेवन की टीम के पास क्योंकि इनकी सबसे स्टार्टिंग फाइट हो सकती है यहाँ पे। मोवात्रा के ऊपर तीन तीन टीमें और एक टीम ने तो यहाँ पे सेवन सीज की टीम ने तो थोड़ा सा फॉल बैक कर लिया है यहाँ से। गोड्स का विशेष भी मोवात्रा आया था बट वो भी फॉल बैक कर चुका है। पी सेवन और लाइफ क्राफ्ट की टीम, दोनों टीमें यहाँ पे टिकी हुई है और लाइफ क्राफ्ट नूब को यहाँ पे मिल चुकी है उजी आई। बट इसी बीच गाइज यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है, मिस्टर बोस ने यहाँ पे आई एन एस के रेड्स को नॉकआउट किया, आई एम ओयो रूम गोड्स के मनु को नॉकआउट करता हुआ। सो एक बार हम चलते हैं फाइट्स की तरफ। सो विला के ऊपर सबसे स्टार्टिंग फाइट हुई है, मिस्टर बोस भाई अकेला बंदा तबाही मचाता हुआ। ओके सो एक और प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट, नवजोत ओपी को भी नॉकआउट कर दे, टीम आई एन एस इज इन बिग ट्रबल। सब फ्री फायर के साथ घुसते हुए, नो हेलमेट नो वेस्ट, उजिया इज वेरी डेडली, उजिया वर्सेस उजिया यहाँ पे चल रहा है, जब तक रिलोड करेंगे यहाँ पे हमारे आईएनएस के प्लेयर तब तक भाई उनकी मौत हो जाएगी। और मिस्टर बोस ने गाइस यहाँ पे क्या ही गेम प्ले दिखाया, क्लच दिखाया गाइस, 1v4 क्लच किया टीम आईएनएस के साथ, ओपी गेम प्ले भाई मिस्टर बोस, एमएक्सआर बोस। तो गाइस कैन वी हैव बोस ओपी इन द चैट? चाइल्ड्स की टीम की तरफ से लाल काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका है। पी सेवन जूनियर यहाँ पे लाइव क्राफ्ट की टीम के प्लेयर को नॉकआउट करता हुआ, सो चलते एक बार लाइव क्राफ्ट और पी सेवन के पास। ओके लाइफ क्राफ्ट क्लाउनी यहाँ पे पी सेवन मैम्पी को भी नॉकआउट कर चुका है, पी सेवन की टीम दो प्लेयर नॉकआउट, नेड गए यहाँ पे लाइव क्राफ्ट की टीम के जूम बूम के ऊपर, भाई सब किस्मत अच्छी थी जो बच गए। एक्सोटिक यहाँ पे पीछे की तरफ से वैम्पी को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया गया है, शटल अभी नॉकआउट और एटलेस यहाँ पे क्लाउनी के पास बढ़ता हुआ। ओके गाइस तो क्लाउनी के पास एक बार चलते हैं। ओके सो एटलस वर्सेस क्लाउनी पूरा टीपीपी चलता हुआ यहाँ पे, शटल के ऊपर हाथ लगा चुके हैं, देखना पड़ेगा यहाँ पे क्लाउनी क्या रश करेंगे या नहीं करेंगे। सो मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा सा बैकअप का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और तब तक यहाँ पे रिवाइव भी मिल चुका है। सो अभी वहाँ पे दोनों प्लेयर खड़े हो चुके हैं और हील करते हुए हमारे शटल भाई साहब जिनको फर्स्ट एड मिल चुकी है। ओके सो क्लाउनी और एक्सोटिक दोनों घुसे, एक्सोटिक ने नॉकआउट किया शटल को, पीछे से यहाँ पे एटलेस ने एक्सोटिक को डाउन किया। ओके सो यहाँ पे भाई साहब नॉकआउट का डांस होता हुआ। ओके सो पी सेवन की टीम का यहाँ पे खात्मा होता हुआ, चार किल मिल चुके हैं यहाँ पे लाइव क्राफ्ट को और चारों बंदे जिंदा है। थोड़ा सा हम चल के देखते हैं टीम सोल के पास, टीम सोल अगेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड, स्टार्टिंग में हम हमेशा देखते हैं टीम सोल कभी भी एक साथ नहीं उतरती, हमेशा छोटे छोटे कंपाउंड टूटते हैं, उसके बाद रिग्रुप होके वो बूम बम करना चालू करते हैं। साउंड लो है बट बहुत भाई, थोड़ा फोन से बढ़ाओ साउंड।
गाइस साउंड लो है, किसी को साउंड लो लग रही है तो बताओ मुझे। ओके आरआईपी स्क्वाड बादशाह ने अब की और नॉकआउट किया एक प्लेयर को। एक बार एलिमेंट के पास चलते हैं गाइस। सो एलिमेंट्स की टीम गाइस देखो ग्लिच से हमें सारे की सारी लूट दिख रही है यहाँ पे। नहीं, ओके 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 पता लग गया भाई लोग। रोहित गुज्जर हाँ साउंड लो है, किसी ने नहीं बोला तू अकेला बोला, तू झूठा है भाई, तू पागल अंधेरे में रख रहा है मुझे। तो देख रोहित गुज्जर अकेला लगा हुआ है झूठ बोलने में। ओके गाइस थैंक यू सो मच बताने के लिए यार। तो लाइफ क्राफ्ट की एक बार फिर से फाइट होते हुए, और लाइफ क्राफ्ट अभी अभी भाई लोग उठे थे, इनके दो प्लेयर तीन प्लेयर डाउन, एक्सोटिक अभी अकेला बचा है। तो सेवन सीज ने यहाँ पे रश किया है और उनके भी प्लेयर्स नॉकआउट पड़े हैं यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे रिवेंज रेड नॉकआउट है जिसको कि सोनिक फोक्स रिवाइव दे रहे हैं अभी। सो दोनों टीम से तीन तीन प्लेयर नॉकआउट। सो एक्सोटिक जो कि अपनी टीम की पूरी पूरी उम्मीद थे उनको नॉक कर दिया। यहाँ पे रेड अब की बार नॉकआउट, सोनिक फोक्स अकेला बंदा बचा। भाई लोग ये क्या ही ओपी फाइट चल रही है। सो भाई लाइफ क्राफ्ट खत्म और अब की बार सेवन सीज इस फाइट में बची है। तो कल जिस तरह से हमने देखा था रात के कस्टम्स में हमारे मीरामार वाले मैच में एक ही जगह पर 6 से 7 टीम खत्म हुई थी, आज यहाँ पे भी तीन तीन टीमें मुझे खत्म होती दिख रही हैं। और गोड्स की बात कर लीजिए तो गोड्स के यहाँ पे मनु फिनिश हो चुका, बाकी तीन प्लेयर बाकी। और ब्रोलर्स के प्लेयर हमारे भाई अभी अच्छी लूट हो चुकी है डाक के पास, तो M4 और AKM आइकोनिक भाई के पास भी देख लेते हैं। AKM और बैरल, साथ ही साथ अगर बम्बर की बात कर लीजिए उजियाई और AKM, और डाक को अगर देख लिया जाए तो डाक के पास AKM और साथ में M416। सो भाई लूट के मामले में एक नंबर लूट हो चुकी है इनके पास, कतई ही ओपी। और हमारा विला पे भाई एक शिकारी घूम रहा है जिसने कि चार प्लेयर को INS की पूरी टीम को ख़त्म कर दिया था। यू आर बेस्ट कास्टर ऑफ इंडिया पंकज कुमार भाई, थैंक यू सो मच भाई, इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे हम हमेशा। सो हेरी स्टीम सोल एंड सोल के प्लेयर हो चुके हैं अभी रीग्रुप। एंड अगर देख लिया जाए RIP को, सो RIP की टीम स्टार्टिंग में एक किल लेते हुए देखा था हमने इनको। एंड ये लोग जोन से काफ़ी ज़्यादा दूर वाइनरी के पास वाले इलाके में, एंड जब इनको जोन के अंदर क्लोजिंग करना शायद टीम सोल के साथ फाइट लेनी पड़ सकती है। अभी एलिमेंट की फाइट चल रही है यहाँ पे टीम शेल्स के साथ। सो देखते हैं गाइस टीम एलिमेंट वर्सेस टीम शेल्स में कौन जीतने वाला है। यहाँ पे सुपर बॉल के पीछे यहाँ पे अल्ट्रॉन लगातार ट्रेबल यूज करता हुआ, और गाइस पूरी बमबारी कर दी गई शेल्स की टीम के ऊपर। पीछे से वह थर्ड पार्टी, और यहाँ पर मिस्टर बोस जो कि अकेला खेल रहा है वन मैन स्क्वाड, भाई पीछे से एलिमेंट की टीम की दिक्कतें बढ़ाता हुआ। सो एलिमेंट वालों को यहाँ पे सचेत रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड से टीम शेल्स और एक साइड से भाई यहाँ पे वन मैन आर्मी मिस्टर बोस। गाइस डू एनीवन नो दिस गाय हु इज MRX बॉस, MXR बॉस। ओके शेल्स आतंकी के नेट से यहाँ पे एलिमेंट अल्ट्रॉन नॉकआउट हुआ। जेसन ने यहाँ पे बॉस को कर दिया फिनिश ऑफ। यहाँ पे लाल घर के अंदर घुस चुके हैं, लाल ने यहाँ पे जेसन को नॉकआउट किया। और गाइस यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है, यहाँ पे IT प्रिंस लेफ्ट साइड में जा चुका है। ओके आई थिंक यहाँ पे IT प्रिंस की मौत, एलिमेंट की टीम का यहाँ पे खात्मा हो चुका है। टीम शेल्स ने क्या ही ओपी गेम प्ले दिखाया, आतंकी अकेला बंदा था जो नॉकआउट हुआ है, और दूर से यहाँ पे टीम गोड्स किल चुराने की कोशिश करता हुआ। आई थिंक यहाँ पे एक बंदा नॉकआउट हुआ था टीम शेल्स का, सो आई डोंट थिंक इनको नॉकआउट या कन्फर्म किया जा सकेगा दूसरे किसी प्लेयर को। एंटिटी की टीम यहाँ पे फाइट में आ चुकी है। सो एक बार चलते हैं टीम एंटिटी वर्सेज टीम MYM की फाइट देखने के लिए। यहाँ पे जोनाथन नॉकआउट हो चुका है, एंड नियो क्लच गोड कैट गोड तीनों भी बाकी हैं। क्या हाल है भाई, बढ़िया भाई बढ़िया, क्या हाल चाल आपके मेथ्स ने भाई, आप सुनाओ भाई।
जोनी के ऊपर स्मोक का कवर बनाते हैं, बट एम वाई एम का भाई काफी अच्छी पोजीशन में है टीम। मुझे लगता है जोनी को कंफर्म कर ही देना चाहिए, अगर एक नेड आ जाता है यहाँ पे तो शायद जोनाथन फिनिश हो सकता था। बट अभी स्मोक काफी ज्यादा यहाँ पे कवर बन चुका है, काफी अच्छा। एंड क्लच कोड ऑलरेडी आगे जा चुका है, जायरो गोड खेल रहा है गाइस, जायरो गोड यहाँ पे पीछे से एम वाई एम शेडो को किया नॉकआउट। गाइस हमारा जायरो आ चुका है, जायरो द ओपी मैन, सो डायरेक्टली शेडो को नॉकआउट करके पहुंचा दिया है लोबी में। और अभी एम वाई एम की टीम को थोड़ा सा फॉल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना आसान नहीं है एंटिटी और दूसरी साइड से एसटेक के साथ निपटना। टीम आई एन डी क्रेटोस यहाँ पे सोल वाइपर को किया नॉकआउट, टीम आई एन डी वर्सेज टीम सोल चल रहा है गाइस यहाँ पे, और मुझे लगता है टीम आई एन डी की तरफ से रश आने वाला है यहाँ पे। ओके सो आई एन डी वाले भाई कोई रश नहीं कर रहे हैं, बिकॉज भाई उनको टॉप फाइव पे तो जाना ही जाना रहता है। सो रिमेंबर जैंकी भाई, आकाश सहानी, हाँ भाई आकाश भाई चाल चाल भाई, एक बार में भी देख लूंगा, कोई इतनी भी लंबी चौड़ी लाइन नहीं है कमेंट्स की। प्रधान है मिस्टर बोस, ओके ओके ओके, जो भी फेनेटिक के लिए पूछ रहे हैं, फेनेटिक कल खोलेगी, फेनेटिक के मैच कल होंगे, डोंट वरी। चलते हैं ब्रोडर्स के पास, ब्रोडर्स के पास यहाँ पे टीम गोड्स बनी हुई है और थ्री वर्सेस फोर की फाइट रहने वाली है दोनों के लिए, क्योंकि गोड्स मनु स्टार्टिंग में फिनिश हो गया था, गोड्स थ्री मैन स्क्वाड हो चुके हैं। नोट मेजर अल्फा अपनी टीम के पास आने का ट्राई करेंगे, बट मुझे लगता है मेजर अल्फा के पास रश हो चुका है टीम आई एन डी का। यस गाइस टीम आई एन डी यहाँ पे आई है और मेजर अल्फा देखते हैं यहाँ पे क्या निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तो शायद आई एन डी के प्लेयर्स को यहाँ पे अंदाजा तो लग चुका है यहाँ पे एक प्लेयर है, तो अगर मेजर अल्फा की तरफ से एक नेड हो जाए, अगर बाई चांस ये तीनों प्लेयर एक साथ हो जाए तो दिक्कतें हो सकती है। एंडी स्नैक्स यहाँ पे बाहर निकलते हुए कवर फायर जरूर है यहाँ पे। ओके यूजीआई वर्सेस M249, बीच में फायदा उठाया स्लेयर ने, लाखरी गोली हेड पे मारी और भाई नॉकआउट कर दिया। स्नैक्स यहाँ पे काफी तगड़ा स्प्रे दे रहे थे, डैमेज भी काफी दे रहे थे मेजर अल्फा को। अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि गोड्स की टीम बचा पाएगी अपने प्लेयर को, पीछे से शेल्स की टीम यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए टीम आईएनडी के साथ, और ब्रोलर्स भी शायद इस फाइट में अपनी भागीदारी ले सकती है। सो मेजर अल्फा ऐसे फॉल बैक कर रहे हैं, वीसीएस यहाँ पे जरूर ट्राई करेंगे थोड़ा बहुत स्मोक करके आगे आने का। सॉरी गाइस, सब पे मोली फेंकी बट मेजर अल्फा बाल बाल बचे। वीसीएस अभी मुझे लगता है कि कंपाउंड्स में दोबारा वापस जा चुके हैं यार, व्हाट द हेक यार, एमुलेटर इज नूब। सो गाइस वी हैव टू रीस्टार्ट, पता नहीं एमुलेटर को क्या हुआ और एकदम से हम गेम से मतलब गेम ही क्रैश हो गया। सो डोंट वरी, दोबारा से ज्वाइन हो जाएंगे हम, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दो मुझे, मुझे नहीं सिमुलेटर को टाइम दो भाई लोग। मेरे क्लैन को भी खेलना है, कैसे खेले मोबाइल से, एफ इन द चैट लिख दो भाई, एफ लिख दो भाई, एमुलेटर एफ लिख दो भाई लोग। ओके गाइस सो सक्सेसफुली, और किस्मत अच्छी थी कि हम आ चुके हैं दोबारा से गेम में। क्या होगा भाई आज 16 स्पेशली बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। ओके सो टीम आरआईपी स्क्वाड रेजर के पास है कार 98 एमवाई मोटल यहाँ पे ऐसे के स्पाइडी को नॉकआउट किया है। सो हम चलते जायरो भैया की टीम के पास, सो फिलहाल जायरो बिजी है रिवाइव करने में अपने प्लेयर को। यहाँ पे नेड आया बट नेड एंगल नहीं मिल पाया उनको प्रॉपरली नेड फेंकने।
और पीछे से एनटीटी की टीम भी गाइस यहाँ पे रश कर सकती है, थर्ड पार्टी कर सकती है, क्योंकि एनटीटी की टीम कोई ज्यादा दूर नहीं यहाँ से। और एनटीटी की टीम गाइस इसको थर्ड पार्टी नहीं, जैंकी की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घुसपैठ। सो टीम एनटीटी यहाँ पे घुसपैठ करने का पूरा यहाँ पे षड्यंत्र रच चुकी है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे एनटीटी वाले भाई बिल्कुल क्लोज आके खड़े हो चुके हैं। जैसे दोनों टीम फाइट्स लेंगी तो भाई हो सकता है पूरे के पूरे डब्बे बना दे यहाँ पे जेड गोड, नियो, क्लच गोड और जोनी बॉय। बट यहाँ पे एलएस का प्लेयर पीछे से आया, एलएस की टीम पीछे से, ओमेगा ने नॉकआउट कर दिया यहाँ पे क्लच गोड को। सभी के लिए एनटीटी का खुद भी बचना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे, क्योंकि कोई कवर ज्यादा नहीं है इनके पास। कर्मा कैप्सियम का पर जोनी बॉय ने नॉकआउट किया डब्ल्यूएम से। जेड गोल्ड भी काफी ज्यादा लोग अपने आप को हील कर चुके हैं, जोनी भी मुझे लगता है थोड़ा सा बूस्ट जरूर करेंगे अपने आप को। एलएस ओमेगा यहाँ पे एनटीटी क्लच गोल्ड को फिनिश ऑफ कर चुके हैं और एनटीटी नियो यहाँ पे एलएस के एक और प्लेयर का शिकार बनते हुए। सो नियो के ऊपर स्मोक फेंका और जोनी शायद यहाँ पे किल कंफर्म करने का जरूर करेंगे। ओके शॉट लिया, यस, सो दिस इज हाउ जोनी कंफर्म हिज किल और अभी थोड़ा सा कवर में है। नियो अभी अपनी जिंदगी और मौत के साथ जूझते हुए, उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे एम्बुलेंस भेजना पड़ेगा टीम एंटिटी को गाइस, या फिर किसी को जाके उनको रिवाइव करना पड़ेगा। ज़ायरोगोड इज फॉलिंग बैक फ्रॉम हेयर, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप आया किल्सम, उस ड्रॉप को लूटने में व्यस्त है। और यहाँ पे पता लग चुका है टीम एस्टेक को कि भाई काफ़ी सारे टीम्स हैं यहाँ पे, अभी भी 13 टीम 43 बंदे, तो भाई इस पोजीशन पे कोई भी टीम खत्म नहीं होना चाहेगी। एंड यहाँ पे फाइट चल रही टीम MIM और टीम एस्टेक की, ये दोनों शांत हो चुके हैं और यहाँ पे LS और टीम एंटिटी दोनों फाइट्स में फंस चुके हैं। नियो को रिवाइव देते हुए यहाँ पे आई गेस नियो के पास पहुंच चुके हैं, बट जेड गोड को भी काफ़ी तगड़ा डैमेज पड़ा, बट रिवाइव मिल जाएगा यहाँ पे अगर कोई नेड नहीं आया। अरे मिकी भाई क्यों परेशान हो भाई, आप कोच हो क्या भाई सोल टीम के, एक बात बताओ यार काहे परेशान हो भाई, कितने ही कमेंट कर दिए मेरे भाई ने। ओके सो हियर इज टीम LS, हियर इज टीम एंटिटी, MYM एंड एस्टेक, सो चारों टीमें बनी हुई हैं। इस टीम में एक बंदा शिकार बना जो कि है क्लच गोड, बट नियो भी नॉकआउट हुआ था बट उसकी उसकी जान बच चुकी है। और जोनी बॉय ने भी अभी LS के टीम के एक प्लेयर को फिनिश ऑफ किया था विद द AWM। सो ज़ायरोगोड यहाँ से थोड़ा सा फ्लैंक करते हैं अपने दो प्लेयर्स को लेके, सो सैट एंड स्पाइडी और किल्सम तीनों तैयार। CH को दिखाना ब्रो, ओके दिखाते हैं भाई। एक बार गाइस इस फाइट से चलते हैं, पे चार टीमें जरूर बनी हुई हैं। अगर बात कर ली जाए पे गोड्स की, तो गोड्स के दो प्लेयर खत्म हो चुके हैं, गोड्स बनू और मेजर अल्फा को अभी भी खत्म किया था टीम INDI के प्लेयर्स ने। INDI अभी भी उसी जगह पे बैठे हुए हैं एंड अगर सेवन सीज को देखा जाए 6 किल के साथ चारों प्लेयर अभी भी जिंदा। टीम सोल यहाँ पे टू मैन स्टैंडिंग हो चुकी है, वाइपर और अमन दो ही प्लेयर बचे हैं, मोर्टल और सांगवान दोनों फिनिश हो चुके हैं। ओके सो यहाँ पे टीम गोड्स की गाइस फाइट होने वाली है आई थिंक। आरएफ गार्ड ने रश किया, BCS शायद नॉकआउट हो सकते हैं, नेड गया और BCS के ऊपर एक प्यारा सा नेड और नॉकआउट कर दिया गया। गोड्स की टीम यहाँ पे लास्ट प्लेयर बचा जो कि है सोल, गोरेक्स, रोनक यहाँ पे चढ़ाई करते हैं और बाकी दोनों प्लेयर भी आ चुके हैं पीछे से कवर देने के लिए। नॉकआउट कर दिया गाइस सक्सेसफुली आरएपी स्क्वाड करण को, बट जो नेड आया भाई लोग वो नेड आरएपी स्क्वाड बादशाह का था और वो अपने प्लेयर को भी नॉकआउट किया, साथ ही साथ फिनिश ऑफ कर दिया यहाँ पे थर्ड पार्टी। गाइस क्या ही मौका यहाँ पे, आई थिंक नेड से फटते हुए आवाज सुनाई दी होगी यहाँ पे और मुझे लगता है गाइस कि टीम RIP यहाँ पे फिनिश ऑफ हो सकती है। परफेक्ट मौका टीम सेवन सीज के पास, अगर एक नेड ऊपर चला जाता भाई पूरी टीम ये खत्म हो सकती थी। ओके एक किल निकाला यहाँ पे रेद, अभी सबसे आगे की तरफ जाते हुए और हम रेद के पास ही चलते गाइस, तो मोली जरूर हुई है यहाँ पे एक और। ओके सो चारों तरफ आग लगा दी गई है यहाँ पे और टीम सेवन के पास कोई खास मौका नहीं है, बट अगर यहाँ पे दो तीन नेड हो जाए यार ऊपर की तरफ तो काफी एडवांटेज मिल सकता है यहाँ पे। ओके सो RIP स्क्वाड इज नो मोर, एक नेड और पूरी टीम खत्म हुई यहाँ पे। बूम बूम ने भाई क्या ही ओपी नेड किया
किस्मत भी अच्छी थी क्योंकि सारे प्लेयर ऊपर ही थे और 5 किल हो चुके हैं गाइस बूम बूम के। सेल्स की टीम इस टाइम जोन के बिल्कुल ही सेंटर में बैठे हुए हैं एंड एडवांटेज है इन लोगों के पास, 4 किल, चारों ही प्लेयर जिंदा। एंड लड़की के पास MK-14, लाल के पास मिनी एंड G36C। भाई सोल फुल है अभी। ओके सो भाई अभी अभी कुछ मुझे लगा कि मुझे दो ही प्लेयर दिख रहे थे यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है गाइस, कुछ तो गड़बड़ है, या तो मुझे नशे हैं तो गेम को नशे हैं, कुछ ना कुछ तो नशे हैं। सो हैशटैग नशा ओपन द चैट, क्योंकि सोल के चारों प्लेयर जिंदा है पर मैंने पता नहीं कहाँ से अनाउंसमेंट कर दी अभी, बट खुशी अलग ही लेवल की है ना। अभी तुम्हें लगा कि मर गए यार, अभी तुम्हें लग रहा है कि जिंदा है ना, सो मुझे खुद भी खुशी है यार कि दोनों जिंदा है वो। सो 11 टीम 37 प्लेयर्स अभी अलाइव है। एक बार चलते हैं गाइज जहाँ पे चार चार टीमें हमारी बनी हुई थी। टीम MYM अभी भी यहाँ पे रुकी हुई है एंड एसटेक की टीम भी है यहाँ पे, एसटेक के चारों प्लेयर जिंदा है। टीम सोल भी यहाँ पे पीछे की तरफ दिख रही है एंड टीम एंटिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है आपको। यस टीम एंटिटी है यहाँ पे और LS के साथ उनकी फाइट चल रही है। LS ओमेगा को काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 10 HP बचे हैं। जोनाथन यहाँ पे क्लोज इन करता हुआ और ओमेगा के बचने की उम्मीद है मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रही है। तो ओमेगा की तरफ से जोनी को भी काफ़ी ज़्यादा LS का लूजर पीछे की तरफ से है, जोनी को नॉकआउट किया। नियो और जेड गोड के ऊपर अभी देखते हैं गाइस, पूरी पूरी उम्मीद है हमें कि वो जोनी को बचाएंगे बट अभी भी LS की टीम काफी स्ट्रांग लग रही है। बोप डोप नॉकआउट बट एंटिटी नियो भी इसी बीच नॉकआउट हो चुके हैं। ओके सो गाड़ी फूटी यहाँ पे, जेड गोड को नॉकआउट मिला यहाँ पे ओमेगा का। अभी लास्ट प्लेयर बचा है लूजर, लूजर वर्सेस जेड गोड यहाँ पे। गन 1 HP बचे हुए, जेड गोड और जेड गोड भी यहाँ पे फिनिश ऑफ। सो टीम LS किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल रही। टीम एंटिटी ने यहाँ पे काफी ज्यादा भरपूर प्रयास किए बट वो लोग बच नहीं पाए यहाँ पे, बट कोई बात नहीं यहाँ पे भाई जो जीता वही सिकंदर। टीम MYM की अगर बात कर ली जाए तो एसटेक के प्लेयर को फिनिश ऑफ कर चुके हैं। एसटेक की टीम भी इस मैच से बाहर, लास्ट प्लेयर था मरने वाला जायरो गोड और अभी जो फाइट चल रही है वो चल रही है सिनर्जी गेमिंग एंड टीम PH के बीच। ओके सो गाइस हियर इज टीम सिनर्जी गेमिंग, सामने टीम शेल्स भी है यहाँ पे एंड सिनर्जी गेमिंग के पास काफी अच्छे कंपाउंड 3 किल इनके हो चुके हैं। टीम सोल यहाँ पे मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं। मोटल अभी फुल हार्ड टीपी भी लेता हुआ, सामने टीम MYM बिलीव खड़ा हुआ है जो कि अकेला ही प्लेयर लग रहा है मुझे MYM की तरफ से। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे टीम IM भी देखने को मिल सकती है। MXR बोस प्रधान, हाँ सुहाना खान मुझे पता लग गया मैम कि वो प्रधान है। शाउट आउट टू द प्रधान, प्रधान भाई को शाउट आउट। भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई प्रधान का गेम प्ले, बहुत ही ओपी गेम प्ले प्रधान का। ओके सो 8 टीम 26 बंदे अभी टीम सोल जोन में आ चुकी है। सिर्फ अमन अकेला प्लेयर है जो कि जोन से बाहर है। MYM बिलीम भी एक जोन का एक एज पकड़ के बैठा हुआ है। टीम INDV भी जोन के अंदर, अभी मुझे लगता है टीम 7Cs को जोन के अंदर आना है। टीम शेल्स जोन का एज पकड़ चुके हैं। सिनर्जी गेमिंग अभी विला के पास वाले इलाके पे। सो 8 टीम जो बची है गाइस वो है टीम MYM, टीम सोल, टीम शेल्स, टीम INDV, टीम IM, टीम 7Cs एंड टीम सिनर्जी गेमिंग। सोल वाइपर ने यहाँ पे शेल्स की टीम को सपोर्ट किया। टीम शेल्स वर्सेस टीम सोल यहाँ पे देखने को हमें मिलने वाला है अभी। एक बार शेल्स के एंगल से देख लेते हैं हम।
यहाँ पे स्मोक ज़रूर किया अपने आप को बूस्ट करके शायद फाइट में निकलना चाहेंगे यहाँ पे रेड भाई। एंड अगर अमन को देख लिया जाए, मुझे लगता है गाइस अमन इज एफ के, क्योंकि अमन काफ़ी देर से एक जोन से बाहर वाली पोजीशन पे खड़ा हुआ। ओके सो अमन वापस आ चुका, अमन ने गाड़ी उठाई जोन के अंदर आता हुआ। सो अभी भी चारों प्लेयर जिंदा, शेल्स की टीम तैयार है शायद टीम सोल के साथ फाइट लेने के लिए। नेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक बार चलते हैं वाइपर के एंगल पे। वाइपर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ा है यहाँ पे, आई थिंक एंगल बन सकता है एम की टीम की तरफ से भी कि नॉकआउट हो जाए यहाँ पे वाइपर। ओके सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तनाव भरी स्थिति दोनों टीम के लिए, कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। टीम सोल भी और टीम सेल्स भी दोनों होल्ड करके खड़े हैं, क्योंकि नेक्स्ट जोन बन रहा है यहाँ पे। कोई भी टीम अभी दूसरी टीम को एडवांटेज नहीं देना चाहती है। सो पीछे से टीम एलएस भी आ चुकी है गाइज यहाँ पे। अकेली टीम आई एन डी जो कि जोन के अंदर, बाकी सब टीम को गाइज जोन के अंदर मूव इन करना है। सो जोन काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे मूव किया। सो मुझे लगता है टीम शेल्स यहाँ पे शायद आसानी से निकल जाए जोन में, बट टीम सोल का यहाँ पे जोन के अंदर जाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टीम शेल्स के पास अभी एडवांटेज है उनका जोन काटने के लिए। वाइपर के पास यहाँ पे एम एम का बिलीव बढ़ता हुआ, अकेला प्लेयर बचा टीम एम एम से। सांगवान ने यहाँ पे सिनर्जी गेमिंग के मिस्ट्री को नॉकआउट किया। ओके काफ़ी ज़्यादा लो लगते हुए, और मोटल यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं। मोटल ने शायद ये स्मोक फेंका है, शायद रेड वर्सेस सोल मोटल। सो रेड की पोजीशन हमें पूरी तरह से पता है, क्योंकि ग्लिच से दिख रहे हैं और मोटल भाई ग्लिच से मारने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे। एक और स्मोक आया है यहाँ पे, मोटल यहां पे नॉकआउट करते हुए रेड को, बट यहां पे पीछे से एक और प्लेयर आया जो कि यार यहां पे मोटल को नॉकआउट करके गया। आतंकी ने नॉकआउट किया वाइपर यहां पे आते हैं, और वाइपर ने आतंकी को नॉकआउट किया। चैल्स रॉक्स आखिरी उम्मीद अपनी टीम की तरफ से, बट सांगवान का शिकार बनते हुए यहां पे टीम सोल ने सुपड़ा साफ कर दिया यहां पे टीम चैल्स का। बट इस फाइट में गाइस शिकार होना पड़ा मोटल को। सो मोटल अभी फिनिश हो चुके हैं, बट मोटल को रेड का किल मिल चुका था। 7 किल 18 7 टीम 18 प्लेयर्स एमएम बिलीव भाई लोग, एमएम का कोई ना कोई प्लेयर लास्ट तक बचा रहता है, और इस बार भी यहां पे एमएम की टीम टॉप 6 में तो जा ही चुकी है। पीछे टीम सोल को जोन के अंदर आना है, एंड अभी तक वो लूट पार्टी कर रहे हैं। सो उनको जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। टीम 7 सीज भी 4 मैन स्टैंडिंग है यहाँ पे। सब बूम बम ट्राई कर रहे हैं सिनर्जी गेमिंग को, स्नेक्स को यहाँ पे ओपन में शिकार बन चुके हैं बूम बम का। काफी अच्छा स्प्रे दिया उन्होंने M4 पर। सो ओमेगा यहाँ पे एम जेरफ को नॉकआउट कर चुके हैं। पीछे की तरफ देख सकते हैं टीम आईएम है, और एलएस की टीम के पास बहुत तगड़ा एडवांटेज था जिसके कारण उन्होंने नॉकआउट करके फिनिश ऑफ कर दिया जेरफ को। आई एम बिलीव यहाँ पे स्मोक से बचे हुए हैं, और टीम सोल को अभी भी जोन के अंदर जाना है 45 मीटर। सांगवान भरपूर कोशिश करते हैं यहाँ पे एमएम बिलीव को डाउन करने की। बिलीव के एंगल से देख लेते हैं गाइस हम, अगर यहाँ पे टीम सोल का एक प्लेयर नॉकआउट हुआ तो फिनिश ऑफ हो सकता है वो, क्योंकि जोन यहाँ पे काफी ज्यादा दूर, अमन जोन से बाहर नॉकआउट हुआ, और
अमन हो चुका है कंफर्म। वाइपर के पास यहाँ थी MK14 और MK14 से उन्होंने खत्म कर दिया यहाँ पे बिलीव को। सो भी चार टीमें रह चुकी हैं, चार टीमों में यहाँ पे सबसे जो तगड़ी टीम लग रही है 14 की गाड़ी यहाँ पे स्लैम किया सिनर्जी गेमिंग के प्लेयर ने, बट बाहर से यहाँ पे गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज हुई और भाई सिनर्जी गेमिंग की टीम गाड़ी टकराते ही फिनिश हो, क्या बात है। बूम बम ने यहाँ पे क्या ही ओपी गेम प्ले दिखाया गाइस। सांगवान ने यहाँ पे 7-6 बूम बम को AWM के हेडशॉट से नॉकआउट किया। ओके सो सोल की टीम ने भागीदारी दिखाई इस फाइट में, बट सिनर्जी गेमिंग का खात्मा काफी आसानी से कर दिया। टॉप 3 में यहाँ पे टीम LS, टीम सोल एंड टीम रिवेंज। सो गाइस चिकन डिनर किसका है गाइस, एक बार कमेंट करके बताओ कि कौन चिकन डिनर करने वाला है। किस रिवेंज परफेक्ट यहाँ पे नॉकआउट किया बॉब डोप को और फिनिश भी हो चुके हैं बॉब। आखिरी प्लेयर बचा हुआ है LS ओमेगा, सोल की टीम के ऊपर ये स्प्रे देता हुआ। सोल की टीम से भी यहाँ पे तीन प्लेयर बाकी हैं। ओके दो प्लेयर बाकी हैं अभी क्योंकि अमन की भी मौत हो चुकी है। सो सांगवान एंड वाइपर दो प्लेयर अभी जिंदा है इस फाइट में एंड टॉप 3 में आ चुके हैं। चार बंदे जिंदा यहाँ पे टीम 7-6 के, LS का यहाँ पे एक प्लेयर बाकी और दो प्लेयर बाकी टीम सोल के। ओके सोल सांगवान को यहाँ पे बूम बम ने नॉकआउट किया, बट वाइपर यहाँ पे फिनिश ऑफ करने में सक्सेसफुल रहा, टॉप 2 में अपनी टीम को लाने में सक्सेसफुल रहा। बूम बम गाइस क्या ही तगड़ा स्प्रे दे रहा है यहाँ पे, वाइपर से थोड़ी सी चूक हुई। अभी 22 मीटर जोन के 22 मीटर जाना है जोन के अंदर, इनको स्मोक भी करना है, इनको हील भी करना है। वाइपर 1 HP और काफी इजी पोजीशन थी, काफी अच्छी पोजीशन थी यहाँ पे टीम 7-6 के पास। चिकन डिनर फॉर टीम 7-6 और भाई बूम बम लिख दो सबके सब, बिकॉज 10 किल बूम बम ने निकाले हैं भाई 7-6 बूम बम WNL। भाई WNL का मतलब भी समझा देना कोई मुझे, बट इसके लिए भाई थोड़ी सी तारीफें बनती है। टीम सोल सेकंड रैंक भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, एक मैच सेकंड, एक मैच फोर्थ और एक मैच टेंथ 7-6 ने चिकन निकाला। किल थे इनके टोटल 20, तो 20 किल के साथ भाई मजाक नहीं चल रहा है। तो एक बार #7-6 या फिर #revengeOP इन द चैट बॉयज, अगर LS की बात कर ली जाए 7 किल के साथ थर्ड पोजीशन पे। गाइस जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वॉर जोन के चैनल पे, सबके सब मुझे सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को जाके, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है जैंकी, वहाँ पे भी स्ट्रीम चल रही है विद फेस कैम और इसके बाद वहीं पे स्ट्रीम होने वाली है, इसके बाद वहीं पे स्ट्रीम होने वाली है। ओके सिनर्जी गेमिंग फोर्थ रैंक पे 3 किल के साथ। MYM की बात कर लें तो 5th पोजीशन 4 किल। 6th पे यहाँ पे टीम IM, IND की टीम 7th पे, 8th पे टीम शेल्स, 9th पे PH जो कि हमारी ग्रोलर्स की टीम, 10th पे यहाँ पे हमारी एसटेक, 11 पे टीम एंटिटी, 12 पे टीम RIP, 13 पे टीम गोट्स, 14 पे एलिमेंट, 15 पे यहाँ पे हमारे प्रधान। भाई साहब अकेला क्लच मारा भाई साहब, क्या ही OP गेम प्ले था इनका विला में। एलक्राफ्ट की टीम यहाँ पे 16 पे, 17 पे ओके हमारा मिथ का जे स्टेर ओपी एंड P7 की टीम की अगर बात कर ली जाए तो 18th पोजीशन पे और 19th पे टीम INS जो कि शिकार बनी थी प्रधान भाई साहब का, 1v4 हुआ था वहाँ पे। विल नेवर लूज, ओके थैंक यू सो मच, राम राम स्कोर भाई क्या हाल चाल। सो गाइज जो भी लोग देख रहे हो आ जाओ अपने जैंकी रोर गेमिंग के चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हो जैंकी रोर गेमिंग, आपको टाइटल में नाम लिखा, आपके डिस्क्रिप्शन में नाम लिखा है। और सबका धन्यवाद जो भी वॉर जोन पे है यार, जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया स्ट्रीम को तो कर दो यार, क्योंकि यार इतना तो बनता है, 785 लोग देख रहे हो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ कास्टर चैनल ने जैंकी। अरे थैंक यू सो मच श्रीनिवास ब्रो, गाइस किसी का कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो। अभी हम 5 मिनट तक थोड़ा सा कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे, तो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सो कल दोबारा से मैच होंगे हमारा, कल फैनेटिक भी खेलने वाली है, सो डेली बेसिस पे मैच होंगे और ये हमारा डार्क होर्स कब चलता रहेगा वोर मैनिया के चैनल पे। सोलो लेज़ ओपी यस सर बिल्कुल ब्रो, कल कितने बजे से स्ट्रीम स्टार्ट होगा? 9 बजे से। सोलो ओपी बिल्कुल भाई, मेहनत किसी और का फल किसी और खाए भाई, यही तो ज़िंदगी है भाई। अभी और कस्टम होगा? नहीं भाई अभी नहीं होगा, बस करना भाई लॉस्ट बोट भाई, कितना ही लिख देगा भाई। भाई लास्ट मैच में सोल के कितने किल थे भाई, मैंने बोला था अभी तो मुझे याद नहीं, बट आप स्ट्रीम बैक करके देख सकते हो। नहीं दिव्यांश भाई अभी और मैच नहीं, कल मैच होंगे अभी भाई। नोट स्काउट हेयर बिकॉज स्काउट की टीम नहीं है, स्काउट की टीम कल खेलेगी। मोटल इज ए रियल स्पोर्ट्समैन जी, हैड नॉट किल शेल्स एज यू कैन सी बिकॉज। हाँ पीटर भाई मैंने बोली थी ये बात, मैंने बोली थी वो ग्लिच से दिख रहा था, बट उसने मोटल ने नहीं मारा उसको। टेल द विनर्स ऑफ ऑल मैचेस,
बूम बम विल नेवर लूज भाई, बूम बम जो हमारा प्लेयर था वो भाई तगड़ा ही खेल गया इस मैच में। नेक्स्ट मैच कब होगा? कल। मोटल को भी 80 के वॉचिंग है, जल्दी अपने भाई की भी होगी, देखते हैं। के भाटिया भाई 80 के तो पता नहीं होगी कि नहीं, बट 8,800 भी हो जाए अभी के लिए तो वो भी बहुत है भाई, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 126 लोग देख रहे हैं अभी। भाई ग्लिच मामा मारना अलाउड नहीं है, गेमिंग जोन अलाउड नहीं है भाई, बट फिर भी करते हैं ना लोग, तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जितने भी यार कंपिटेटिव प्लेयर हैं इनको फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से, वो नहीं करते ग्लिचेज व्लिचेज का यूज़, तो सब लेजिट होते हैं। नरूटो मोटल को सुपर चैट कर दो, 40 के लोगों को यहाँ बुलाओ। अरे भाई 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 भाई, आप बोरमेनिया में आप कास्ट नहीं करेंगे? सोहेल भाई अभी मेरा कोई विचार नहीं है, बोरमेनिया वाले भाई किसी और से कास्ट करा रहे हैं भाई, तो एक ही बंदा कास्ट करेगा भाई। फ्लैश कास्ट कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी कास्टिंग करता है फ्लैश भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज रात को कोई फ्री है? प्रियंका अक्का यस सोनी की, अबे भाई हेलो भाई, एक मिनट भाई, भाई ये जो भी है ना भाई, लाइक क्या ही बोलूँ भाई, छोड़ो यार लीव, तेरे को तेरी हालत पे छोड़ देते हैं। भाई कल सोल खा लगी भाई, कल बता देंगे कि सोल खा लगी कि नहीं। ब्रो यू आर गुड बट अवॉइड टाइम आउट्स। ओके अंशुल भाई, फाइनल कब है ब्रो? फाइनल होगा तो भाई आपको सब डिटेल मिल जाएगी। अगर अभी तक यार आप लोगों ने वॉर जोन को फॉलो नहीं किया जाके इंस्टाग्राम पे, तो भाई क्या किया, डिस्क्रिप्शन में जाओ वॉर जोन का इंस्टाग्राम देखो, वहाँ पे सारे डिटेल्स मिलेंगे भाई, छोटी से लेके बड़ी तक, तो जाओ और फॉलो कर लो। अगर आपको भी टूर्नामेंट्स खेलना है तो भाई वहाँ से सारी जानकारी मिलती रहेगी। आई लव यू ब्रो। नूर मोहम्मद भाई आई लव यू टू ब्रो, हमें भी रूम में लो। जहर गेमिंग भाई कैसी जहर बातें कर रहे हो, आपको क्यों रूम में लूँ भाई मैं, आई एम ए बॉय। गाइज रूम खेलना है किसी को, जिसको रूम खेलना है मैं रूम बनाता हूँ। ओके मैं रूम बना रहा हूँ और मेरे मेरे चैनल पे भी लगातार कस्टम करेंगे अपन। सो जिसको भी खेलना है 7 डेज रूम कार्ड अपना एक्टिव है, इरेंगल मैच करते हैं। पासवर्ड रहेगा जेंकी स्मॉल लेटर में, आईडी आप ऊपर देख सकते हो। तो सब लोग आ जाओ, आईडी है 4125581। जिसको भी खेलना आ जाओ भाई लोग, 412-5581। और मैं वॉर जोन के चैनल से अभी जा रहा हूँ गाइज, आप सबको बाय बाय, बस ये आईडी एंड पासवर्ड लिख के जा रहा हूँ, उसके बाद मेरे चैनल पे आ जाना ताकि आपको कस्टम खेलने को मिलते रहें। यस 412-5581। हाँ स्क्वाड कर देंगे गाइस, स्क्वाड कर देंगे। आ जाओ गाइस सब आ जाओ, जिसको खेलना है आ जाओ, जिसको नहीं खेलना वो मत आओ। एंड वॉर जोन वाले बाय बाय, लव यू ऑल, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो वॉर जोन को। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्क्रीम्स देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे, बस सपोर्ट दिखाओ भाई, वॉर जोन बहुत आगे जाएगा और मेहनत करते रहेंगे भाई लोग वॉर जोन वाले, है ना। सो उनको दिखाते रहो सपोर्ट ताकि वो और एफर्ट डाल सकें। सो अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड मिलते हैं कल।